ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, आप टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो, राइट। देयर आर टू मेथड्स टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग ओपन फंक्शन, ओके, आप ओपन फंक्शन का यूज करके टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हो। सेकेंड इज यूजिंग विद क्लॉज, और आप विद क्लॉज का यूज करके टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज ओपनिंग अ फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन। टू ओपन अ फाइल इन पाइथन वी यूज ओपन फंक्शन। टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन में ओपन फंक्शन का यूज किया जाता है। सिंटेक्स ऑफ ओपन फंक्शन इज एज फॉलोज, राइट। तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, एंड ओपन फंक्शन में आपने उस फाइल का नाम पास किया है जिसको आपको ओपन करना है, राइट। तो यहाँ पे जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाता है, उस फाइल के लिए एक लिंक बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो रेफरेंस बन जाता है, राइट। ये उस फाइल से कनेक्ट हो जाता है, और आपको फाइल के साथ जो भी फंक्शन करना हो, आपको उसको ओपन करना है, या फाइल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप किसकी हेल्प से आपको मिलेगी, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको मिलेगी। इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो सिंटेक्स दिया है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, एंड ओपन फंक्शन में आपने उस फाइल का नाम पास कर दिया जो आपको ओपन करनी है, राइट। यहाँ पे आपने एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट फाइल किस एक्सेस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन होगी, आप उसमें से डेटा को रीड कर सकते हो, राइट। नाउ सेकंड जो सिंटेक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम एंड एक्सेस मोड, राइट। आपने ओपन फंक्शन के अंदर टू पैरामीटर्स को पास किया है, फाइल का नाम, जो वो फाइल जो आपको ओपन करनी है, एक्सेस मोड मतलब किस पर्पस के लिए आपको फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, दोनों फंक्शन करने हैं, ओके। अब देखो, फाइल ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम फाइल हैंडल भी है, राइट। फाइल नेम या फाइल पाथ, ओके। फाइल नेम आप कब दोगे, जब आपकी फाइल पाइथन की ही डायरेक्टरी में सेव है, ओके, जहां पे पाइथन के सारे प्रोग्राम्स, जो भी आप पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हो, क्रिएट करते हो, ओके, वो बाय डिफॉल्ट जिस डायरेक्टरी में जाके सेव होते हैं, अगर आपका फाइल उसी डायरेक्टरी में सेव है तो आपको सिंपली फाइल का नेम देना होगा, राइट। अदरवाइज आपको कंप्लीट पाथ देना होगा अगर वो किसी डिफरेंट पोजीशन पे वो लोकेटेड है, राइट। एक्सेस मोड, एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल, राइट। अब हमारे पास एग्जांपल f1 इक्वल्स टू ओपन abc.txt। हम लोग क्या कर रहे हैं, abc.txt फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे abc.txt जो आप फाइल ओपन कर रहे हो वो कहाँ होगी, वो सेम डायरेक्टरी के अंदर होगी, ओके। तो यहाँ पे आपको इसलिए पूरा नेम नहीं देना पड़ा, पूरा उसका पाथ नहीं देना पड़ा, राइट। आपने सिर्फ क्या दिया, नेम एंड उसकी एक्सटेंशन, राइट। और एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से एक्सेस मोड में आएगी, वो रीड मोड में आएगी, ओके। नाउ पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पाइथन कहाँ पे देखेगा, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, जहां पे वो अपने खुद के प्रोग्राम्स को सेव करता है, राइट। दिस स्टेटमेंट ओपन्स फाइल्स abc.txt इन द रीड मोड, ओके। इस फाइल को वो कौन से मोड में ओपन करेगा, रीड मोड में, एंड अटैचेस इट टू द फाइल ऑब्जेक्ट। और इस फाइल को किससे अटैच कर देगा, किससे लिंक कर देगा, फाइल हैंडल से, जो ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, नेमली f1, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइल हैंडल का नाम क्या है, f1, ओके। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड असाइंस इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट। अगर आपने किसी फाइल का नेम दिया, राइट, ओपन फंक्शन के अंदर आपने कोई भी फाइल पास की, लेकिन वो फाइल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट की हेल्प से, मान लो एबीसी फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, तो क्या होगा, जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है उसकी हेल्प से क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी एबीसी नेम से, एक न्यू एम्प्टी फाइल, क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं होगा, न्यू फाइल क्रिएट होगी, ओके, बाय द नेम एबीसी, राइट, ओके, और किससे कनेक्ट हो जाएगी, f1 हैंडल से हो जाएगी, राइट। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, आपका फाइल हैंडल है यहाँ पे f2, ओके, इक्वल्स टू ओपन, आपने क्या ओपन कराई है यहाँ पे, फाइल data.txt, राइट। ओपन फंक्शन के अंदर आपने data.txt फाइल को पास कराया, राइट, किस मोड में, रीड मोड में, राइट। अगर r नहीं, अगर आप स्पेसिफाई करते तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, रीड मोड ही होता है, ओके। द अबव स्टेटमेंट ओपन्स द फाइल data.txt इन द रीड मोड बिकॉज r given as the mode and attaches it to the file object namely f2, ठीक है। ये फाइल किससे अटैच हो जाएगी, जाके फाइल हैंडल के साथ अटैच हो जाएगी, राइट। नाउ एग्जांपल 3, f3 इक्वल्स टू ओपन। अब यहाँ पे देखो, आपने फाइल को पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव नहीं किया है, कहीं और किया है, तो आपने पूरा पाथ दिया है, राइट, ओके, और आपने एक्सेस मोड
स्पेसिफाई किया। अब क्या है पाथ में जब आप बैक स्लैश आप देखते हो क्या होता है, सिंगल बैक स्लैश होते हैं, बट यहाँ पे क्या डबल बैक स्लैश आया हुआ है। ठीक है, ये आपने एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से लगाया है। क्यों लगाया है, देखो द स्लैशेस इन द पाथ आर डबल्ड बिकॉज स्लैशेस हैव स्पेशल मीनिंग एंड टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग डबल स्लैश इज गिवन। क्योंकि क्या होता है, मान लो स्लैश के बाद जो सिंगल स्लैश है उसके बाद टी आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग टैब हो जाएगा, टैब करेक्टर। ओके, या फिर स्लैश के बाद डी आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा इसका नेम दिया है फाइल का, तो स्लैश के बाद अगर सिंगल स्लैश के बाद डी आ गया तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा न्यूमरिक डेटा। ओके, जो सी प्लस प्लस में क्या होता है, डी का मीनिंग न्यूमरिक डेटा होता है, राइट, या सम एरर या फिर कुछ एरर मीनिंग होता है, फाइन। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, सिंगल स्लैश को खुद से डबल कर देते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन द ई ड्राइव एंड ओपन इट इन रीड मोड। पाइथन इसको ई ड्राइव में फाइंड आउट करेगा और इसको रीड मोड में ओपन करेगा एंड अटैचेस दिस टू द फाइल ऑब्जेक्ट F3, और इस फाइल को किससे अटैच कर देगा, F3 फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, फाइन। ओके, तो ये समझ में आ गया कि आप डबल स्लैश क्यों लगाते हो, जिससे कि जो सिंगल स्लैश से मीनिंग क्रिएट होता है, स्पेशल मीनिंग क्रिएट होता है, वो क्रिएट ना हो। ओके, नाउ हाउएवर इफ यू वांट टू राइट विद सिंगल स्लैश यू मे राइट इट इन रो स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हो कि सिंगल स्लैश के साथ आप लिख सको, फाइन, आपको इसे डबल ना करना पड़े, आपको इसको डबल ना करना पड़े, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्लैश का ही यूज करना पड़े, फाइन। तो आप किसका यूज कर सकते हो, आप रो स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। रो स्ट्रिंग क्या है, आप जो भी आपका आया एड्रेस, जो भी फाइल की लोकेशन है, ओके, उसके आगे आपको आर लगाना है, आर प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रिंग मेक्स इट रो स्ट्रिंग। जब आप प्रीफिक्स आर लगा देते हो किसी भी स्ट्रिंग के आगे, वो इसको रो स्ट्रिंग बना देती है। दैट मीन्स देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी करेक्टर। मीन्स ये इस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करेक्टर का कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा, चाहे आप स्लैश टी लिखो, चाहे आप स्लैश डी लिखो, कोई भी आप करेक्टर हो, उसका कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग से पहले क्या लगा दिया है, आर को लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैंने फाइल हैंडल ले दिया, पहले हम लेते हैं कमेंट यूजिंग ओपन फंक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, फाइल हैंडल मैंने लिया F1 ओपन, राइट। मैं कौन सी फाइल को ओपन कराना चाहती हूँ, abc.txt, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है ओनली, तो ये जो मेरी फाइल बनी हुई है वो कहाँ पे है, वो पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव है। ओके, जहाँ पे पाइथन के सारे प्रोग्राम सेव होते हैं ये फाइल वही है, राइट। तो इसलिए मुझे इसका कंप्लीट लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आपने क्या किया, str एक वेरिएबल ले लिया और आपने फाइल हैंडल डॉट f1 डॉट रीड फंक्शन दे दिया। रीड फंक्शन से मैं क्या करा रही हूँ, abc फाइल के 30 करेक्टर्स, यहाँ पे हम 30 करेक्टर्स ले लेते हैं, 40 जितने भी आपको करेक्टर्स रीड कराने हैं वो हम लोग रीड करा रहे हैं, राइट। रीड 30 एंड देन आपने दे दिया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट करके आप इसको प्रिंट करा दो। 30 करेक्टर्स रीड करा के आपने इनको प्रिंट करा दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने फाइल को ओपन किया, abc.txt फाइल को ओपन किया, ओके। वो किससे लिंक हो गई, वो आपकी फाइल हैंडल F1 से लिंक हो गई। अब आपने फाइल हैंडल की हेल्प से उसके 30 करेक्टर्स को रीड किया, वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, str वेरिएबल में स्टोर होंगे, ओके। और फिर आपने str को प्रिंट करा दिया, फाइन, राइट। अब आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल S, सेव कर लिया आपने फाइल को। कोई भी नाम आप दे सकते हो, d1 दे दिया, मान लो मैंने इसका नेम दे दिया d1.py, सेव। अब इसको रन कराते हैं, मेरी F5 फंक्शन की वर्क नहीं कर रही, तो मैं यहाँ से रन कराती हूँ F5, राइट। तो देखो इसकी जो 30 करेक्टर्स आपने रीड कराए थे, वो 30 करेक्टर्स यहाँ पे आ गए, द थर्स्टी क्रो आफ्टर फ्लैंग, ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेकेंड जो पैरामीटर है ओपन फंक्शन का, उसको यूज कर लेती हूँ, एक्सेस मोड। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस मोड दे दिया, रीड मोड, राइट। और f1.read में मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से 30 करेक्टर्स हटा देती हूँ, ओके। f1.read फंक्शन, अब मैंने सिंपल रीड फंक्शन दे दिया है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा, ये कंप्लीट फाइल को रीड करके मुझे दे देगा, फाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाएगी, ओके। अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग,
फाइन एंड देन वी विल रन इट। अब देखो कंप्लीट फाइल आपके पास आ गई है, ओके आपने कंप्लीट फाइल को रीड करा लिया है, ओके अब मैं किसी डिफरेंट लोकेशन से क्या करती हूँ, फाइल में से डेटा को रीड कराती हूँ। तो मैं यहाँ पे एबीसी फाइल का नेम डिलीट कर देती हूँ और किसी डिफरेंट लोकेशन से फाइल को मैं कॉपी करती हूँ। लेट अस सपोज मैंने ई ड्राइव में कोई टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, उसका डेटा हम यहाँ पे रीड करते हैं, फाइन। तो आप यहाँ से सिंपल लिख भी सकते हो ई ओके स्लैश मेरी फाइल का नेम है डेटा डॉट टीएक्सटी, फाइन कंट्रोल एस, राइट। मैंने यहाँ से क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था, अदरवाइज आप इसका फाइल का लोकेशन क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ओके। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करा देते हैं, रन। देखो आपकी कंप्लीट स्टोरी आ गई है जो आपकी डेटा फाइल में स्टोर थी, ओके। अदरवाइज अगर आपको इसका फाइल कॉपी करना है तो आप कहाँ जाओगे, ये हमारी डेटा फाइल है, इस पे राइट क्लिक करो, राइट, और प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपली ई ड्राइव में है तो आप यहाँ से ई लोकेशन कॉपी करोगे और फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन, ओके ई स्लैश डेटा डॉट टी एस टी, राइट। हमारे पास ओपन फंक्शन की कंप्लीट समरी है। पाइथन्स ओपन फंक्शन क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन फंक्शन क्या क्रिएट करता है, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विच सर्व्स एज अ लिंक टू अ फाइल रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर। वो कैसे काम करता है, फाइल ऑब्जेक्ट एज अ लिंक, ओके उस फाइल का लिंक बन जाता है जो आपके कंप्यूटर पे है, राइट जिसको आप ओपन करें उसका एक क्या बन जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट उसका लिंक बन जाता है, राइट उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है, ओके। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन इज अ पाथ टू द फाइल यू वुड लाइक टू ओपन। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हम पाथ देते हैं या फाइल नेम देते हैं, ओके। इफ जस्ट द फाइल नेम इज name is given then python searches for the file in the current folder। अगर हम सिर्फ फाइल का नेम देते हैं तो python फाइल को कहाँ सर्च करता है, अपनी करेंट डायरेक्टरी में, अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में उस फाइल को सर्च करता है। अदरवाइज अगर आपने कहीं और फाइल को सेव किया है तो आपको उसकी कंप्लीट लोकेशन कंप्लीट पाथ देना होता है, ओके। द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू अ मोड विच इज टिपिकली रीड राइट और अपेंड। जो सेकेंड पैरामीटर आप पास करते हो ओपन फंक्शन में वो क्या होता है, एक्सेस मोड होता है कि आप रीड फॉर्म में उसको फाइल को ओपन करना चाहते हो राइट फॉर्म में या फिर आप अपेंड फॉर्म में उसमें कुछ आप ज्वाइन करना चाहते हो डेटा, ओके। इफ नो सेकेंड पैरामीटर इज गिवन देन बाय डिफॉल्ट इट ओपन्स इट इन द रीड मोड। अगर सेकेंड पैरामीटर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट फाइल किस मोड में ओपन होती है, रीड मोड में ओपन होती है, ओके। नाउ वी हैव सेकेंड मेथड टू ओपन अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विथ क्लॉज। अब हम फाइल को कैसे ओपन करेंगे, विथ क्लॉज का यूज करके, ओके। इन पाइथन वी कैन ऑल्सो ओपन अ फाइल यूजिंग विथ क्लॉज। द सिंटेक्स ऑफ विथ क्लॉज इज, सिंटेक्स क्या है विथ क्लॉज का, विथ आपको विद कीवर्ड लगाना है, ओके। ओपन, ओपन में आप फाइल का नेम पास करोगे, एक्सेस मोड आप स्पेसिफाई करोगे एज, ओके एज फाइल ऑब्जेक्ट। तो आपका फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आफ्टर एज, एज राइट, एज फाइल ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे एग्जांपल है विद ओपन आपने फाइल का नेम पास किया माई फाइल डॉट टी एस टी, ओके आर प्लस मोड में वो क्या होगी, ओपन होगी, ओके एज माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट, फाइन। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विद क्लॉज इज दैट एनी फाइल दैट इज ओपन यूजिंग दिस क्लॉज इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। मैंने आप जब आपको ओपन फंक्शन का यूज बताया था तो मैंने बोला था कि आप फाइल हैंडल को क्लोज भी करोगे इसके अंदर, राइट लेकिन विथ क्लॉज जब आप यूज करते हो तो आपको क्लोज फंक्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही फाइल को ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है, राइट। हियर वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली यूजिंग क्लोज स्टेटमेंट। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्लोज स्टेटमेंट देकर उसको उसको खुद से क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्लोज हो जाती है फाइल, राइट। पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल, पाइथन अपने आप फाइल, ओके। तो यहाँ पे हम पहले ओपन फंक्शन का यूज करके देखेंगे, राइट तो पहले हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं, यूजिंग ओपन फंक्शन, राइट। अब ओपन फंक्शन में क्या और विद क्लॉज में क्या डिफरेंस है मैं इसको बताती हूँ। आपने ओपन फंक्शन यूज किया, ओके, और आपने यहाँ पे कोई भी फाइल बनाई, जैसे आपने फाइल नेम दे दिया, फाइल नेम आपने दे दिया फाइल फाइव, ओके डॉट टी एस टी, राइट, और आपने
एक्सटेंशन दे दी यहाँ, सॉरी यहाँ पे एक्सेस मोड आपने दिया है राइट मोड। ओके, आप फाइल में कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हो, कुछ डेटा राइट करना चाहते हो, फाइन। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया f1 डॉट राइट राइट, आप इसमें डेटा राइट करा दो, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ओके, नाउ वी हैव f1। अब देखो मैंने ओपन की है फाइल, बट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करती हूँ, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते तो क्या हमारा डेटा फाइल के अंदर राइट होता है या नहीं होता है। एक मैंने स्टेटमेंट दे दी प्रिंट डेटा रिटन इन अ फाइल नेम्ड फाइल 5, ठीक है। डेटा हमने कहां पे राइट करा है, फाइल 5। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया फाइल का f1 दे देते हैं, f1.py। ओके, और इसको हम रन करके देखते हैं, रन। देखो आपका ये स्टेटमेंट तो आ गया, डेटा रिटर्न इन अ फाइल नेम्ड f5। अब देखते हैं कि फाइल में डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, देखो आपकी यहाँ पे फाइल 5 क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें डेटा रीड हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, मतलब डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो इसमें कोई भी डेटा राइट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया। जब आप ओपन फंक्शन का यूज करते हो और अगर आपको किसी भी फाइल में डेटा को राइट करना है तो आपको क्लोज फंक्शन का भी यूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे डेटा राइट नहीं हुआ क्योंकि हमने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया है। इसको क्लोज कर देते हैं, फाइन, और अपनी फाइल पे जाते हैं। आप अपनी फाइल पे जाओगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे आपने दिया f1.close। ओके, और इसको सेव कर दो। मैं क्या करना है, सेव करना है। हमने f1.close फंक्शन दे दिया, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट। एग्जीक्यूट हो गया, डेटा रिटर्न इन अ फाइल नेम्ड f5। ओके, अब हम लोग फाइल में जाएंगे, f5 फाइल को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब डेटा राइट हुआ है जब हमने क्या किया है, f1.close फंक्शन का यूज किया है, फाइल हैंडल के साथ क्लोज फंक्शन का यूज किया है। ओके, इसको आप ओके। नेक्स्ट हम किसका यूज करें, विद क्लॉज का यूज करें अपनी फाइल को ओपन कराने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं यूजिंग विद स्टेटमेंट या विद क्लॉज, जो भी आप देना चाहते हो, फाइन। ओके, अब यहाँ पे आप दोगे विद में ओपन। ओके, फाइल का नेम ले लेते हैं हम लोग फाइल 6 .txt, राइट। ओके, किस मोड में आपको ओपन करना है, उसमें डेटा राइट करना है, तो आपने राइट मोड में लिया है एस एफ। एफ क्या है, फाइल हैंडल, फाइल हैंडल। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉलन दिया है, तो अब आप जब एंटर प्रेस करोगे तो इंडेंटेड फॉर्म में ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है, कि मतलब ये एफ के, ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही आपकी नेक्स्ट लाइन है। f.write, अब हैंडल की हेल्प से हम क्या राइट कर रहे हैं, f6 फाइल के अंदर हम डेटा राइट कर रहे हैं, जैसे आपने ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास। ओके, आपने ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट, और उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट डेट, प्रिंट करा देते हैं डेटा रिटर्न इन फाइल 6, सिंपल। ओके, अब देखो यहाँ पे जब मैं विद क्लॉज यूज कर रही हूं, मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है, क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे फाइल 6 में डेटा राइट होता है या नहीं होता है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, आपने इसका नेम दे दिया f2 .py, सेव, राइट। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार, आपका आ गया डेटा रिटर्न इन फाइल 6, फाइन आ गया। अब देखो फाइल 6
फाइल सिक्स पहले हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी फाइल सिक्स है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आया है इसमें डेटा वेलकम टू पाइथन क्लास। ओके, यहाँ पे आपको क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ा जब आपने विद क्लोज का यूज किया है। ओके, अब यहाँ पे हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर जो हमारा क्रिएट होता है उसके कुछ क्या है एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में जान लेते हैं। द फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, राइट, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट टेल अस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल, जिसकी हेल्प से हम फाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर आप फाइल डॉट क्लोज्ड यूज करते हो, राइट, फाइल डॉट क्लोज्ड रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड और फॉल्स अदरवाइज। ओके, तो यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज्ड में जो ये फाइल है वो फाइल हैंडल है, राइट, ओके, देन फाइल डॉट मोड रिटर्न्स द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, इससे आप फाइल का मोड बता सकते हो कि किस मोड में आपकी फाइल ओपन हुई है, राइट। फाइल डॉट नेम, मतलब यहाँ पे जो फाइल वर्ड है वो फाइल हैंडल है, ओके, जैसे F1 हो गया, F1 डॉट क्लोज, तो आपको पता चल जाएगा ये F1 वाली जो फाइल, F1 हैंडल जिस फाइल से भी लिंक है वो क्लोज हो गई है या नहीं है। ओके, रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड, वो ट्रू कर देगा अगर फाइल क्लोज हो गई है, फॉल्स दे देगा अगर फाइल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे एक्सेस मोड के लिए रिटर्न्स एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, ये क्या रिटर्न करेगा, उस एक्सेस मोड को रिटर्न करेगा जिसमें फाइल ओपन हुई है। और फाइल हैंडल डॉट नेम से क्या होगा, नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम आपके पास आ जाएगा। अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन द डिस्क, ये क्या होता है, लिंक कह सकते हो या रेफरेंस होता है उस फाइल का जो आपके पास आपके सिस्टम पे स्टोर है। इट ओपन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो और उसको डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हो। लास्ट वी हैव क्लोजिंग अ फाइल, ठीक है, आपने ओपन किया फाइल को ओपन फंक्शन की हेल्प से विद क्लोज की हेल्प से, राइट, अब हम फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, वंस वी आर डन विद द रीड राइट ऑपरेशन ऑन अ फाइल इट इज गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल, क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जो भी फंक्शन करना था, ऑपरेशन करना था फाइल पे, वो आप कर चुके हो रीड राइट ऑपरेशन, अभी अब आपको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। पाइथन प्रोवाइड्स अ क्लोज मैथड टू डू सो, इसके लिए पाइथन ने क्या किया है, आपको क्लोज फंक्शन प्रोवाइड किया है, क्लोज मैथड प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। ओके, वाइल क्लोजिंग अ फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट, जब आप क्या करते हो फाइल को क्लोज करते हो तो जो भी मेमोरी उसने ले रखी है वो क्या होती है, वो फ्री हो जाती है, वो डिफरेंट दूसरी फाइल के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, फॉर द स्टोरेज ऑफ सम अदर फाइल और फॉर डूइंग सम अदर पर्पस, राइट। सिंटेक्स क्या है इसका, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ओके, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्लोज फंक्शन, ये फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिटर्न्ड व्हाइल ओपनिंग द फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो कब आपको मिलता है, जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हो, राइट। इट इज ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल वंस आर वर्क इज डन, ऑल्सो इफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज रीअसाइन टू सम अदर फाइल द प्रीवियस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज, तो ये क्या कह रहा है कि आपको हमेशा एडवाइस की जाती है कि आप अपनी फाइल को क्लोज करें जब आपका काम हो जाए, राइट। और अगर आप क्या करते हो सेम फाइल हैंडल या फिर सेम फाइल ऑब्जेक्ट किसी दूसरी फाइल को असाइन कर देते हो तो जो पहली वाली फाइल होती है वो अपने आप ही क्या होती है, क्लोज हो जाती है। आप टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट कर सकते हो, ओके, फॉर राइटिंग टू अ फाइल, फाइल में लिखने के लिए राइट करने के लिए वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन राइट और अपेंड मोड, अगर आप फाइल में रिटन वर्क करना चाहते हो मतलब उसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आपको सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फाइल को ओपन करना होता है, ओके, और किस मोड में ओपन करना होता है, राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में, ओके। While writing data in a file, if file doesn't exist, it will create the new file. जब आप फाइल में डेटा राइट करते हो तो क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या होती है, क्रिएट हो जाती है, जो भी आपने फाइल का एंटर किया है उस नेम से फाइल उस पर्टिकुलर पोजिशन पे उस नेम से फाइल क्रिएट हो जाती है, न्यू फाइल, ओके। इफ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड द प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी बनी हुई है फाइल उसको ओपन करते हो किस मोड में, राइट मोड में, तो जो भी डेटा उस फाइल में पहले से लिखा होता है वो सारा क्या हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है, एंड द फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजिशनड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, और जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है वो कहां चला जाता है, फाइल की बिगनिंग पर,
ओके अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया है किस मोड में, राइट मोड में. ओके आपने एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो क्या होता है, जो उसका प्रीवियस डेटा होता है वो इरेज हो जाता है और जो फाइल हैंडल होता है ओके वो कहाँ पे चला जाता है, वो फाइल के स्टार्टिंग में चला जाता है. ओके इस इन सब को हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ओके अभी थ्योरेटिकली मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ. ऑन द अदर हैंड इन अपेंड मोड न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा एज द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द फाइल. लेकिन अपेंड मोड, अगर आपने फाइल को ओपन किया किस मोड में, अपेंड मोड में ओके तो क्या होता है, न्यू डेटा एड हो जाता है. कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, जहां पे जहां तक डेटा था फाइल के अंदर उसके एंड से न्यू डेटा एंटर हो जाता है. फाइन, मतलब न्यू डेटा प्रीवियस डेटा के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है. राइट, आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू राइट डेटा इन द फाइल. फाइल ओपन करने के बाद हम इन मेथड्स का यूज करके फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं, डेटा को लिख सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है आपका, राइट मेथड फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग. यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग का मतलब है एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग ओके जो आपने एनक्लोज किया है सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर. ओके राइट लाइन्स, राइट लाइन्स फॉर राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे आप क्या राइट लाइन्स मेथड में आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इसके अंदर एंटर करा सकते हो, कोई भी सीक्वेंस एंटर करा सकते हो, आप टपल इसके अंदर एंटर करा सकते हो. ओके तो अब इन फंक्शन को हम वन बाय वन देखते हैं. नाउ फर्स्ट वी हैव राइट मेथड. ओके तो यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक्स है राइट मेथड की, राइट मेथड और यू कैन से राइट फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल. क्या करता है राइट मेथड के अंदर, राइट फंक्शन के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास करते हो और वो स्ट्रिंग कहाँ पे जाके राइट होती है, वो होती है टेक्स्ट फाइल के अंदर. ओके आपने राइट फंक्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग को पास किया वो स्ट्रिंग कहाँ पे जाके कहाँ पे जाके एंटर हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल के अंदर. ओके वी नीड टू एड अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ द लाइन. जब आप स्ट्रिंग लिख रहे हो ओके तो अगर आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट करेक्टर है वो या नेक्स्ट वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से कौन से करेक्टर का यूज करना होता है, न्यू लाइन करेक्टर का. जहां जहां आप न्यू लाइन करेक्टर का यूज करोगे उसके बाद का जो भी स्ट्रिंग एंटर की है वो कहां चली जाएगी, नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी. ओके If numeric data are to be written to a text file, the data need to be converted into string. अगर आप text file के अंदर numeric data enter करवाना चाहते हो तो आपको numeric data को सबसे पहले string में convert करना होगा okay, using str function. Okay, या फिर आपको string में string को quotes के अंदर डालना होगा जिससे वो string में convert हो जाए. Before writing to the file, मतलब फाइल में अगर आप न्यूमरिक डेटा एंटर कराना चाहते हो तो आप उसे टेक्स्ट फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में ही एंटर करा सकते हो. आप उसको या तो str फंक्शन का, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके कन्वर्ट करोगे या फिर उसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एनक्लोज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे. ओके द राइट फंक्शन एक्चुअली राइट डेटा ऑन टू अ बफर. राइट फंक्शन क्या करता है, जो उसका डेटा राइट करता है वो एक्चुअली कहाँ करता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिसको हम बफर बोलते हैं वहां पे राइट करता है. When the close method is executed, the content from this buffer are moved to the file located on the permanent storage. तो ये क्या कह रहे हैं, जब क्या आता है, close function आता है, execute होता है ओके तब डेटा बफर से फाइल पर जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होता है, समटाइम्स वो राइट, जो भी आप राइट फंक्शन की हेल्प से लिख रहे हो वो फाइल के अंदर स्टोर नहीं होता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा फाइल में स्टोर हो तो आप क्या करोगे, फाइल को क्लोज करोगे. राइट, क्योंकि फाइल जब आप क्लोज करोगे तब डेटा बफर से एंटर से मूव करके कहां एंटर करेगा, परमानेंट स्टोरेज आपकी फाइल में. ओके नाउ सिंटेक्स, अब राइट मेथड का सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और str क्या है, जो स्ट्रिंग आप फाइल के अंदर राइट करवाना चाहते हो. ओके राइट स्ट्रिंग str टू द फाइल, तो str स्ट्रिंग क्या हो रही है, फाइल के अंदर आप एंटर करवा दोगे, राइट करवा दोगे, रेफरेंस्ड बाय द फाइल हैंडल. ओके जो कौन रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसका फाइल हैंडल, जो कि किससे लिंक है, फाइल हैंडल से लिंक है फाइल. ओके अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम. ओके नाउ अब यहाँ पे हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, तो आप कमेंट दे दो यूज ऑफ राइट फंक्शन.
फाइन, फाइल हैंडल आपने लिया एफ, ओके ओपन। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल नेम ले लेती हूँ, अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है राइट, और अगर उसको मैं राइट मोड में ओपन करती हूँ तो क्या होगा, उसका प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा और न्यू डेटा उसके अंदर एंटर हो जाएगा राइट। तो मैं यहाँ पे फाइल ले लेती हूँ demo1.txt, और अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो इस नेम से पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइन, नाउ f.write मैं इसके अंदर लिख देती हूँ वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अब अगर आप क्लोज फंक्शन का यूज करके फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपका डेटा आपने जो स्ट्रिंग दिया है राइट, वो बफर में जाके स्टोर हो जाएगा बट वो फाइल में स्टोर नहीं होगा अगर आपने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया। इसको हम सेव करते हैं राइट, इसको हम दे देते हैं नेम प्रोग्राम टू राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट हो गया। नाउ वी विल सी कि वो डेटा जाके स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे पास डेमो वन यहाँ पर फाइल है, देखो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं आया है। फाइन, अब जाके हम क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर इसको क्लोज करेंगे। एफ डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करो आप। ओके, आपने फाइल को क्लोज कर दिया, सेव कर दो इसको। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे राइट, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। नाउ वी विल सी कि डेटा उसके अंदर राइट हुआ है या नहीं हुआ है, डेमो वन राइट। अब आपका इसमें डेटा आ चुका है, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे डेमो वन फाइल के अंदर और भी लाइंस और भी स्ट्रिंग्स एंटर करानी है और मैं चाहती हूँ वो अलग अलग लाइन में आए, तो आप यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करोगे। ओके, और मैं क्या करती हूँ, फाइल डॉट राइट यहाँ पे मैं इको स्ट्रिंग एंटर करा देती हूँ, कंप्यूटर साइंस। ओके राइट, चलो एक स्ट्रिंग और एंटर कराते हैं, स्लैशन फॉर न्यू लाइन करेक्टर, एफ डॉट राइट आप दे दो यहाँ पे क्लास 12। ओके, सेव कर लेते हैं इसको एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट। हो गया नाउ, अब अपनी फाइल में देखेंगे जो हमने और इसके अंदर स्ट्रिंग दिए हैं। ओके, वो आ गए हैं, देखो आपने 3 स्ट्रिंग्स इसके अंदर एंटर कराए, वो आप और न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज किया था तो अलग अलग लाइंस में आए हैं। फाइन, ओके, देखो अब अगर मैं डेमो वन फाइल को ओपन करती हूँ राइट मोड में राइट, तो क्या होगा, तो उसका जो प्रीवियस डेटा था वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और जो न्यू डेटा आप एंटर करोगे वो उसके अंदर आ जाएगा। अभी हमने 3 स्ट्रिंग्स उसके अंदर एंटर कराई थी। अब देखो डेमो वन को मैं फिर से क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ डेमो वन डॉट txt। ओके, किस मोड में, राइट मोड में। फाइन, और मैंने इसमें दिया f.write python ट्यूटोरियल इन हिंदी। ओके, तो डेमो वन फाइल अभी आपने क्रिएट की थी, आपने उसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स को एंटर कराया था। अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, फिर से ओपन कर रही हूँ और उसमें एक स्ट्रिंग को मैं एंटर करा रही हूँ, तो क्या होगा, जो उसकी प्रीवियस स्ट्रिंग्स हैं, जो भी आपने डेटा उसमें एंटर कराया है, वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और जो अब आप उसके अंदर स्ट्रिंग एंटर करा रहे हो, ओके, सिर्फ वही स्ट्रिंग अब आएगी उसके अंदर राइट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस राइट, नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। हो गया, अब डेमो वन को हम देखेंगे, डेमो वन को ओपन करके देखो, देखो प्रीवियस डेटा इरेज हो चुका है, आपके पास क्या आ गया, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। ओके, ओवरराइट हो चुका है प्रीवियस डेटा, जब अगर आपने इसको राइट मोड में ओपन किया है। ओके, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं जब अपनी फाइल को ओपन करूं, ओके, तो उसमें प्रीवियस डेटा भी हो और जो मैं करेंट डेटा डालू वो भी आए। तो मान लो मैं इसको अगेन ओपन करती हूँ, ओपन, ओके, हमारी फाइल है demo1.txt।
ओके और मैं क्या चाहती हूँ, जो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा है वो इरेज ना हो, तो आप कौन से मोड में इसको ओपन करोगे? इसको अपेंड मोड में ओपन करोगे, राइट? तो अपेंड मोड में ओपन करने से क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रहेगा, और जो आप जो भी स्ट्रिंग अब एंटर कराओगे वो क्या होगी, उस स्ट्रिंग के एंड पे एंटर हो जाएगी. ओके मतलब उस जहां पे उस प्रीवियस स्ट्रिंग का एंड होगा वहां से आपकी न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर हो जाएगी. मैं एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कराती हूँ. आपने यहाँ पे एंटर करा दिया. वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके और प्रीवियस हमने क्या एंटर कराई थी, उसके अंदर ऑलरेडी पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, राइट? अब अपेंड मोड से क्या होगा, उस स्ट्रिंग के एंड से आपकी ये जो स्ट्रिंग आप एंटर करा रहे हो वो क्या होगी, उसके साथ ज्वाइन होके आ जाएगी. मतलब प्रीवियस स्ट्रिंग अब क्या होगी, इरेज नहीं होगी. ओके बिकॉज आपने कौन सा मोड दिया है, अपेंड. अपेंड मतलब ज्वाइनिंग, राइट? इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, रन कराओ. फाइन, अब हम अपनी फाइल को देखेंगे. ये देखो पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, और उसके फिनिश होते ही अपेंड मोड में आपने दिया था तो आपका आ गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट? तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है, प्रीवियस डेटा भी है और आपने जो करंट डेटा दिया है वो भी है. ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अलग अलग लाइन्स में डेटा है, राइट? इसी के अंदर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं. एक न्यू फाइल, चलो इसको ही डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ओपन एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नेम से, या कोई भी नेम ले लो, .txt, राइट? कौन से मोड में, राइट मोड में मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ. फाइन, अब यहाँ पे 4i इन रेंज रेंज 5, राइट? तो मैं कौन सी फाइल क्रिएट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यूजर से कुछ नेम्स एंटर कराती हूँ और वो नेम्स कहाँ पे जाके राइट होंगे वो मेरी फाइल के अंदर राइट होंगे, राइट? तो फाइल मैंने ओपन कर ली है student.txt, अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो बन जाएगी, राइट? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हमने दिया है फोर लूप, 4i इन रेंज 5, तो आपका जो है लूप कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, राइट? इसमें आप नेम ले लो, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट. फाइन, ओके. एंड एफ डॉट राइट, जो भी आप एंटर करा रहे हो, इस जो आपने ये स्टेटमेंट दिया इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट? ये आपका क्या, ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा जिस जहां पे यूजर अपना डेटा एंटर करेगा. फाइन, ओके. नाउ एफ डॉट राइट, और वो डेटा कहाँ पे जाके आप राइट करा रहे हो, आप राइट फंक्शन की हेल्प से फाइल के अंदर राइट कराएंगे, ठीक है? तो नेम प्लस मैं स्लैश एन कर देती हूँ जिससे जितने भी नेम्स हैं वो अलग अलग लाइंस में आए. ओके, और यहाँ पे हम अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं. फाइन, सेव कर दिया इसको, रन करते हैं. एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम दे दो, आपने नेम दे दिया नेहा, देन आपने दिया पूजा, देन आपने दिया रोहन, दीपिका, अमित. ओके राइट, आपने 5 नेम्स एंटर करा दिए. अब हम अपनी फाइल देखेंगे स्टूडेंट के नेम से जो आपकी फाइल बनी हुई है, ये रही, राइट? जो भी आपने नेम सेंटर कराए हैं वो आपकी फाइल में आ गए. फाइन, ओके. प्रोग्राम 4, ओके. अब एक प्रोग्राम मोड बनाते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज को एंटर कराएंगे, ओके, नंबर्स को एंटर कराएंगे, उसका सम निकाल के उसको अपनी फाइल में स्टोर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम
फाइल हैंडल लेते हैं एफ, हमने ले लिया ओपन फंक्शन, और यहाँ पे आप नेम रख लो इसका सम फाइल, ओके कुछ भी नेम ले सकते हो, डॉट टीएक्सटी, राइट मोड में इसको ओपन किया है, फाइन मैंने ले लिया नम वन इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट देन नम टू इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, ओके फाइन, फिर हमारा सम आ गया, सम क्या है हमारा नम वन प्लस नम टू, ओके अब आपको क्या करना है, यह फाइल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे सम निकाला है वो फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, राइट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने दिया फाइल एफ डॉट राइट राइट, ओके यहाँ पे मैंने ले लिया नम वन इक्वल्स नम वन इक्वल्स, ओके अब यहाँ पे अगर फाइल में आपको डेटा एंटर कराना है न्यूमेरिकल डेटा, तो आप क्या करोगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, तो str फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, num वन को हमने पास कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके क्योंकि आप अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर न्यूमेरिकल डेटा एंटर करवाना चाहते हो तो आपको उससे पहले न्यूमेरिकल डेटा को न्यूमेरिक डेटा को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, फाइन f डॉट राइट, यहाँ पे हम ले लेते हैं टैब नम टू, नम टू इक्वल्स str num2, ओके हमने num2 को भी कन्वर्ट करा दिया, और अब आप राइट करा दो, ये स्लैश t मैंने टैब के लिए दिया है, ओके स्पेस के लिए सम फाइन, और आपने इसको कर दिया क्लोज, ओके सेव कर लेते हैं, फाइन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट नंबर दे दिया 20, एंटर सेकंड नंबर ये आपने दे दिया 40, आपका सम आ गया है, अब हम फाइल में देखेंगे हमने किस नेम से फाइल बनाई थी, सम फाइल करके बनाई थी आपने कुछ इस, ये आपकी सम फाइल है, ये देखो आपका नम वन 20, नम टू आपका 40 और सम आपका आ गया, राइट अब मैं इसको अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ तो ओवरराइट हो जाएगा मेरा रिजल्ट, मैं इसको देखो अगेन अगर मैं इसको करती हूँ रन, रन मॉड्यूल, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 35 और सेकेंड नंबर दिया मैंने 60, ओके तो मैं अब इसको ओपन करती हूँ सम फाइल को, तो देखो मेरा प्रीवियस जो था डेटा वो चला गया है, अब अगर आप चाहते हो कि आप जितनी बार कैलकुलेशन कर रहे हो वो इसके अंदर ऐड होता जाए तो आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करो, ओके मैं राइट मोड की जगह अब यहाँ पे इसको अपेंड मोड में कर देती हूँ, अपेंड मोड में ओपन, ओके और जितना मेरा डेटा है फाइन वो क्या होता जाए ऐड होता जाए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे मैं स्लैशन देती हूँ स्लैशन, ओके इसको सेव कर दो, अब इसको हम रन करते हैं, रन मॉड्यूल, एंटर नंबर 56 दे दिया और आपने यहाँ पे दे दिया 23, ओके अब देखो ये जो हमने ये प्रीवियस डेटा दिया था और ये वाला दोनों इसके अंदर आपको मिलेंगे फाइल के अंदर, आप सम फाइल को ओपन करो, ये आपका प्रीवियस भी आ रहा है और ये देखो ये आपका प्रीवियस है नम 135, नम 260 और 95, ये स्लैश इन वर्क नहीं किया, अभी देखते हैं क्यों नहीं किया, नम वन फिर आपने 56 दिया है, आपका डेटा आ गया अपेंड मोड में क्योंकि आपने इसको
मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन और लगा देती हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। देन अगेन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें हमने करा दिया फर्स्ट नंबर 34, सेकंड नंबर आपका आपने दे दिया 56, राइट। अब हम अपनी फाइल ओपन करेंगे, सम फाइल, राइट। अब देखो आपका आ गया है, ओके। नेक्स्ट लाइन में आ गया है रिजल्ट, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट लाइन्स मेथड, राइट। दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। इस मेथड का किस लिए यूज होता है? जिससे आप एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स को फाइल के अंदर एंटर करा सको, राइट। वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट किसके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो आप इसके अंदर कैसे ऑब्जेक्ट्स को पास कराते हो? वो जो इटरेबल हो, जो सिक्वेंस फॉर्म में हो। इटरेबल मीन्स जिसके एलिमेंट्स को वन बाय वन आप एक्सेस कर सको, ट्रेवर्स कर सको, राइट। कंटेनिंग स्ट्रिंग टू द राइट लाइन मेथड। तो अगर आप लिस्ट यहाँ पे पास करो तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अगर आपको डेटा को राइट कराना है विद द हेल्प ऑफ द राइट लाइन्स मेथड, ओके। द राइट लाइन्स मेथड राइट द आइटम ऑफ अ लिस्ट टू द फाइल। जो भी आप इसके अंदर लिस्ट, टपल, जो भी पास करा रहे हो, उसके उसके आइटम्स कहाँ जाके राइट होते हैं? फाइल के अंदर जाके राइट होते हैं, फाइन। तो सिंटेक्स क्या है? फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स, ओके। और जो भी यहाँ और राइट लाइन फंक्शन के अंदर आप क्या पास कराओगे? सिक्वेंस, सिक्वेंशियल डेटा और आइटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल, एक्सेट्रा, फाइन। It writes all the string in the list as lines to the file referenced by the file handle. तो जो भी आप list का elements होंगे वो किस form में आएंगे? As a line, line की form में आएंगे, okay? किस file में? जो कि file handle से link है। अब इसको practically करके देखते हैं, okay? तो यहाँ पे मैंने अपना ideally open कर लिया है, तो comment देते हैं use of write lines function. फाइल हैंडल एफ ओपन, ओपन मैंने फाइल का नेम देती हूँ ए बी सी डी एनीथिंग, ओके, डॉट टी एस टी। आपने फाइल दे दी ए बी सी डी एंड उसको किस मोड में हम ओपन करें? राइट मोड में, फाइन। अब यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि आप राइट लाइन फंक्शन का यूज करोगे तो वहां पे हम लिस्ट को पास करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली कलर्स की लिस्ट, रेड लेशन, देन ऑरेंज, ऑरेंज, ओके। तो यहां पे मेरा रेड ऑरेंज क्या है? ये आपकी फाइल के अंदर जाके राइट हो जाएंगे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और यहां पे स्लैशन की हेल्प से क्या होगा? अलग अलग लाइंस में आएंगे, फाइन। व्हाइट, then yellow, okay, yellow and green, एक और ले लेते हैं blue, okay, fine। एफ डॉट राइट लाइन्स और आप इसके अंदर पास कर दोगे लिस्ट को, राइट। फाइल को क्लोज कर देते हैं जिससे कि उसमें डेटा एंटर हो जाए। इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लो आप, फाइन। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट हो गया। अब हम अपनी फाइल को देते हैं एबीसीडी नेम से, फाइल एबीसीडी, ये आपकी फाइल है। देखो आपका डेटा आ गया है, आपने स्लैशन का यूज एज अ एज डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आया है, ओके, और आपने स्लैशन का यूज किया है, ओके, फाइन। नाउ यहाँ पे आपने लिस्ट फॉर्म में दिया था, अगर आपको टपल की फॉर्म में देना है तो सिंपली आप इसको क्या करोगे? सर्कुलर ब्रैकेट में डाल दो, राइट। और रिटर्न मोड में हम इसको ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा आपका, ओके, फाइन। आप इसको टी कर सकते हो अगर शो करना चाहते हो तो, टप्पल, जैसे मैंने इसका वेरिएबल का नेम लिया टप, फाइन। और यहाँ पे सिंपल आप इसको पास कर दो, सेव कर देंगे, राइट। रन करा दो, रन होगी आपकी फाइल और अब आप देखोगे एबीसीडी
तो आपने क्या किया था, डेटा को टपल फॉर्म में पास किया था, आपका डेटा एंटर हो गया है, फाइन। नाउ नेक्स्ट, अब एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं राइट लाइंस का यूज करके, कमेंट देते हैं टू एंटर लिस्ट नेम्स इन अ फाइल एज लाइंस। ओके, तो यहाँ पे हम यूजर से डेटा एंटर कराएंगे और वो कहाँ पे जाके राइट होगा, वो होगा राइट आपकी फाइल में, ठीक है। तो आपने फाइल हैंडल ऐप ले लिया, ओपन, और फाइल का नेम ले लो आप कुछ भी, यहाँ पे हम फाइल का नेम लेते हैं ab.txt, आप इसको राइट मोड में ओपन कर लो, फाइन। अब यहाँ पे हम राइट लाइंस का यूज करेंगे तो लिस्ट लेंगे, तो एम्प्टी लिस्ट ले ली, फाइन। अब फोर आई इन रेंज 5, ओके, आई इन रेंज 5, तो आपका लूप कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया स्टेटमेंट नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी ले लो, नेम ऑफ स्टूडेंट, फाइन। लिस्ट, अब वो जो आप एंटर कराओगे वो कहाँ पे हो जाए, जो आपने एम्प्टी लिस्ट ली थी, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट में जाके अपेंड हो जाए, ठीक है, नेम जो आप नेम एंटर करा रहे हो। और मैं यहाँ पे इसको न्यू लाइन करेक्टर ले लेती हूँ, जिससे कि क्या होगा, नेम्स अलग अलग लाइन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एफ डॉट राइट लाइन्स, राइट लाइन्स लिस्ट, लिस्ट में जो भी डेटा अपेंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, फाइल के अंदर एंटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट एफ डॉट राइट लाइन्स, क्योंकि आपने राइट लाइन्स फंक्शन में लिस्ट को पास किया है। अब हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, ठीक है। आपने एंटर कराना नेम, तो मैंने करा दिया टीना, पूजा, अमित, गौरव, स्नेहा, फाइन। अब हम अपनी फाइल में देखते हैं, ए बी फाइल थी हमारी, ए बी फाइल देखो आपका आ गया टीना, पूजा, अमित, गौरव, स्नेहा, जो भी आपने इसके अंदर एंटर कराए थे वो आपकी फाइल में राइट हो चुके हैं, ओके। बिफोर यू कैन रीड फ्रॉम अ फाइल, द फाइल मस्ट बी ओपन्ड एंड लिंक्ड बाय अ फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। तो ये क्या कह रहा है कि फाइल को रीड करने से पहले क्या होना चाहिए कि फाइल ओपन होनी चाहिए, ओके, फाइल ओपन होनी चाहिए और किससे लिंक्ड होनी चाहिए, आपके फाइल ऑब्जेक्ट या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, फाइल हैंडल, उससे लिंक होनी चाहिए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि कैसे लिंक होती है, राइट, ओके। पाइथन प्रोवाइड्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीड फंक्शंस टू रीड फ्रॉम अ डेटा फाइल। पाइथन आपको 3 फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से, ओके। फर्स्ट इज रीड फंक्शन, सेकेंड इज रीड लाइन फंक्शन, एंड थर्ड इज रीड लाइन्स फंक्शन, ओके। सो वी विल डू ऑल दीज फंक्शंस वन बाय वन। First we have read function or read method, okay. This method is used to read a specified number of bytes of data from a data file. तो इस function का या इस method का क्या use है, इससे आप number of bytes जितने आपने specify किए, मतलब आपने 30 specify किए तो 30 characters bytes, यहाँ पे bytes किसके equivalent है, करेक्टर्स के इक्विवेलेंट है, मतलब करेक्टर्स के बराबर है, ओके, क्योंकि वन बाइट इज कंसीडर्ड एज वन करेक्टर, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे रीड मेथड की हेल्प से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से, राइट। इफ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज
स्पेसिफाइड इन रीड फंक्शन द एंटायर फाइल कंटेंट इज रीड. अगर आप क्या करते हो, जो रीड फंक्शन के अंदर आपको क्या बताना होता है कि कितने करेक्टर्स मीन्स कितने बाइट्स आपको रीड करने हैं. अगर आप एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करते हो या फिर नेगेटिव नंबर देते हो तो क्या होता है कि वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देता है. ओके, रीड फंक्शन कंप्लीट फाइल को रीड कर देता है. इट रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. और किस फॉर्म में ये रिटर्न करता है डेटा को, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यूज की फॉर्म में. ओके, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, राइट. आप इसको फाइल हैंडल भी कहते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन. और रीड फंक्शन में आप पास करोगे कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको रीड करना है, मीन्स आपको कितने करेक्टर्स को रीड करना है. ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, राइट, पाइथन आइडियली खोल लिया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. ओके, अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, रीड करते हैं फाइल के 40 करेक्टर्स. फाइन, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ कमेंट रीडिंग फाइल्स फर्स्ट 40 बाइट्स या करेक्टर्स. ओके, नाउ F1 हमने लिया फाइल हैंडल. ओके, इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में आपको क्या करना है, अपनी फाइल जो आप ओपन करना चाहते हो उसका नेम या उसका कंप्लीट पाथ देना है. तो मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ सिर्फ abc.txt, क्योंकि मेरी फाइल कहाँ स्टोर है, मेरी फाइल पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में स्टोर है, राइट. तो अगर डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जहाँ पे पाइथन के सारे प्रोग्राम्स जाके सेव होते हैं, राइट, मेरी फाइल वहां पे स्टोर है, तो मेरे को यहाँ पे कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है. आई कैन ओनली गिव द नेम. ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया abc.txt अपनी फाइल का नेम, और इसको एक्सेस मोड दिया है R, दैट मींस रीड मोड. ओके, नाउ str हमने एक वेरिएबल लिया f1.read, और कितने करेक्टर्स मींस कितने बाइट्स हमें रीड करने हैं, 40 बाइट्स हमें रीड करने हैं. ओके, अब देखो f1 ये क्या है, f1 आपका फाइल हैंडल है, राइट, डॉट रीड. तो ये क्या करेगा, फाइल में से रीड करेगा कितने बाइट्स, रीड फंक्शन फाइल में से रीड करेगा 40 बाइट्स, और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, वो str वेरिएबल के अंदर. अब हम आप क्या करोगे, आपको प्रिंट कराना है कि कितने बाइट्स उसने रीड करे हैं, वो बाइट्स आपको प्रिंट कराना है. तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट और str, क्योंकि बाइट्स कहाँ जाके स्टोर हुए हैं, str वेरिएबल के अंदर. फाइन, अब आप फाइल को क्लोज कर दो क्लोज फंक्शन की हेल्प से. ओके, इसको सेव कर लेते हैं, कोई भी नेम दे दो इसका, मैंने g1 दे दिया .py, राइट. नाउ इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, रन F5 से हो जाता है, बट माई फंक्शन की इज नॉट वर्किंग, तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया. देखो अब इसने 40 करेक्टर्स मुझको फाइल में से रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए, राइट. ये कितने करेक्टर्स आए, कितने बाइट्स आए, 40, आप इसको काउंट भी कर सकते हो, राइट. ओके, अभी मैंने यहाँ पे 40 करेक्टर्स रीड कराए हैं. अब मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा करेक्टर्स को रीड कराऊं. ओके, 40 के आगे जो करेक्टर्स हैं, बाइट्स हैं, उनको रीड कराऊं, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, str2 करके ले लेते हैं, ठीक है. ओके, f1.read फंक्शन का यूज कर लेते हैं, रीड. रीड में मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 60 करेक्टर्स भी रीड हो जाए. अंडरस्टूड, पहले आपने क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है कि कितने करेक्टर्स रीड हो जाए, 40 करेक्टर्स रीड हो जाए. ओके, अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 60 करेक्टर्स भी रीड हो जाए. ओके, अब नेक्स्ट 60 करेक्टर्स रीड होंगे तो हम उसको डिस्प्ले करा देते हैं. राइट, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, सिंपली अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, रन. आप देखो पहले आपके कितने करेक्टर्स रीड हुए थे, आपके 40 करेक्टर्स रीड हुए, देन उसके बाद नेक्स्ट 60 करेक्टर्स आपके रीड हुए, राइट. पहले आपके 40 करेक्टर्स रीड हुए, या 40 बाइट्स आप कह सकते हैं, वो रीड हुए. ओके, देन आपके नेक्स्ट 60 करेक्टर्स रीड हुए. ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाए. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली यहां से इसको हटा देते हैं. ओके, और मैं रीड फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी, राइट.
सिंपल मैंने इसको रीड फंक्शन में क्या किया है, एम्प्टी छोड़ा है इसको, और कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। इसको हम सेव कर देते हैं, देन रन। अब यहाँ पे देखो आपकी कंप्लीट फाइल आ गई है, जितना भी डेटा था abc.txt फाइल में वो आपकी यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया है। ओके, मैं आपको एक चीज और शो कर देती हूँ। मैंने सिर्फ सिंपली फाइल का नेम लिया था, तो मेरी फाइल देखो एबीसी फाइल ये है एबीसी। ओके, पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर जहां पे आपके पाइथन के प्रोग्राम सेव होते हैं, इसलिए मुझे कंप्लीट पाथ नहीं लेना पड़ा। अगर मैं कहीं और मेरी फाइल होती तो मुझे क्या करना होता, अपने टेक्स्ट फाइल का कंप्लीट एड्रेस वहां पे स्पेसिफाई करना होता, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम ले लिया बिकॉज ये क्या है, पाइथन की करेंट डायरेक्टरी में सेव है। ओके, आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। देखो ये हमारी स्टोरी है इसके अंदर, एबीसी के अंदर, जो मैंने अभी आपको शो की थी, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज रीड लाइन फंक्शन। दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट्स विद अ न्यू लाइन करेक्टर। तो जब आप रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हो तो क्या होता है, वन टाइम मतलब एक बार वो क्या रीड करती है, वन कंप्लीट लाइन को रीड करती है। ओके, और वो लाइन को कहां तक रीड करती है, जब तक कि उसे न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। ओके, इट वर्क्स एज अ एंटर। जब उसको न्यू लाइन करेक्टर मिल जाता है तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, और वो जैसे ही न्यू लाइन करेक्टर मिलता है वैसे ही एंड ऑफ द लाइन वो समझ लेती, जो आपका फंक्शन है रीड लाइन वो क्या समझ लेता है कि ये अब एंड ऑफ द लाइन है। ओके, तो ये मेथड क्या करता है, एक बार में एक कंप्लीट लाइन को रीड करता है फाइल की। ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन करेक्टर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो एक लाइन में से आपके एन नंबर ऑफ बाइट्स को भी रीड कर सकता है, लेकिन कहाँ तक, जब तक कि उसको न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। मतलब अगर आप चाहते हो, वैसे तो रीड लाइन क्या करता है, वन बाय वन लाइन्स को रीड करता है। ओके, पर आप चाहते हो कि आप एक लाइन्स में से 30 करेक्टर्स रीड कराओ, तो आप क्या स्पेसिफाई कर दोगे उसके अंदर, 30 करेक्टर्स। ओके, बट अगर आपने मान लो 60 करेक्टर्स दिए और लाइन में ओनली 50 करेक्टर्स हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट लाइन में, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मान लो 80 करेक्टर्स लाइन में है। ओके, और आपने 90 करेक्टर्स दे दिए रीड करने के लिए। ओके, तो 80 करेक्टर्स रीड कर लेगा, बट नेक्स्ट लाइन के करेक्टर्स को जाके, जो 10 बचते हैं नेक्स्ट लाइन के करेक्टर्स को जाके रीड नहीं करेगा। ओके, इफ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इट रीड्स अ कंप्लीट लाइन एंड रिटर्न स्ट्रिंग। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे रीड लाइंस के अंदर एन नंबर ऑफ लाइंस, ओके, ये नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो क्या होगा, वो कंप्लीट लाइन को रीड करता है। ओके, एक बार में रीड लाइन फंक्शन एक लाइन को रीड करेगा। ओके, अगर आप n स्पेसिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर लाइन में से इतने बाइट्स आपको रीड कराने। अंडरस्टूड? अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन फंक्शन वी कैन यूज लूप। और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन आ जाए, तो इसके लिए आप लूप का यूज करोगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज लूपिंग आइटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस को आप बोलते हो लूपिंग, ओके, या फिर आइटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट, आइटरेट करना फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर। इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। और जब एंड ऑफ फाइल आ जाता है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है। ओके, सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, आपका फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं यूज ऑफ रीड लाइन फंक्शन। ओके, कमेंट दे दिया, F1 हमारा फाइल हैंडल है, राइट। मैंने ओपन की फाइल, क्योंकि फाइल रीड करने के लिए उसका ओपन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एबीसी फाइल को ले लेती हूँ, राइट। और किस मोड में आपको ओपन करनी है, रीड मोड में, क्योंकि आप रीड करा रहे हो, फाइन। str f1 dot readline। तो रीड लाइन क्या करेगी, एक बार में एक लाइन को रीड करेगा, रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। प्रिंट, वो वन लाइन कहाँ पे जाके स्टोर होगी, str वेरिएबल में। तो हमने प्रिंट करा दिया किसको, str वेरिएबल को। ओके, अब हम यहाँ पे इसको फाइल को क्लोज कर देते हैं, f1 dot close, फाइन। ओके, ये सेव है मेरी फाइल। अब इसको रन करा लेते हैं, रन
f5। तो देखो एक बार में रीड लाइन फंक्शन ने क्या किया है, फाइल की एक लाइन को रीड किया है, आ गया इसका रिजल्ट। ओके, अब मान लो मुझे फर्स्ट लाइन में से कितने करेक्टर्स को रीड कराना है, मुझे 10 करेक्टर्स को रीड कराना है, तो मैंने यहाँ पे 10 करेक्टर्स मतलब 10 बाइट्स या 10 करेक्टर्स दे दिया है। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, तो ये कंप्लीट लाइन रीड नहीं करेगा, अब यहाँ पे ये लाइन फर्स्ट लाइन के 10 करेक्टर्स को रीड करेगा। इसको रन कराते हैं हम लोग, देखो क्या किया है, पहले था कंप्लीट लाइन द थर्स्टी क्रो राइट, अब यहाँ पे इसने 10 करेक्टर्स को रीड किया है द थर्स्ट। ओके, 10 करेक्टर्स रीड होके आपके पास आ गए। नाउ अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं 3 लाइंस को रीड करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, क्योंकि रीड लाइन में जब आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो वो एक बार में एक कंप्लीट लाइन क्या करता है, रीड करता है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, फर्स्ट लाइन ये रीड, ये वाली स्टेटमेंट रीड करके प्रिंट करा रहा है, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, ये मेरी सेकेंड लाइन रीड हो जाएगी इससे, अगेन मैं कंट्रोल वी, ये मेरी थर्ड लाइन रीड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, रीड लाइन फंक्शन 3 बार यूज किया है और उसकी हेल्प से 3 लाइंस में यहाँ पे रीड करा रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रिंट के साथ ना मैंने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया है, तो प्रिंट के फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन करेक्टर क्या करता है, एक न्यू लाइन डिस्प्ले करता है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, इसको हम रन करते हैं। अब देखो प्रिंट फंक्शन आपने यूज किया तो लाइन रीड हुई है, डिस्प्ले हुई है, उसके बाद क्या आया है, एक लाइन का गैप आया है। ओके, यहाँ पे 1-1 लाइन का गैप दिया है प्रिंट फंक्शन ने, फाइन। अब इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एंड्स विद द न्यू लाइन। प्रिंट फंक्शन कैसे एंड होता है, न्यू लाइन से एंड होता है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन रीड हुई है, आपने प्रिंट कराया उसके, तो क्या हुआ, उस कैसे एंड हुआ है, प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन से एंड हुआ है। अगर आप क्या चाहते हो, ये लाइंस जो आई हुई है, गैप आया हुआ है 1-1 लाइन का, नहीं चाहते तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में दे देंगे एंड, एंड में आप दे दोगे स्पेस, ठीक है, आप एंड में दोगे स्पेस, तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड नहीं होगा, वो स्पेस को एज अ एंड कंसीडर करेगा। अदरवाइज प्रिंट करेक्टर किसको एंड कंसीडर करता है, न्यू लाइन करेक्टर को एंड कंसीडर करता है, ठीक है, एंड ऑफ लाइन। तो वहां पे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाता है, एम्प्टी लाइन आ जाती है, तो यहाँ पे इसको एंड, जो हमने एंड आर्ग्यूमेंट दिया है और उसमें एंड मतलब हमने क्या बताया इसको कि एंड कैसे हो, ये स्पेस को एज अ एंड कंसीडर करे। इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, राइट अब देखो जो गैप आया था वो अब नहीं आएगा, जो 1-1 लाइन का गैप आया था वो अब नहीं आएगा, सी अब गैप चला गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो प्रिंट फंक्शन है वो स्पेस को एज अ एंड कंसीडर कर रहा है, जैसे ही स्पेस आया उसने इसको एंड कंसीडर कर लिया, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार रीड लाइन फंक्शन का यूज ना करूं, ऐसे मेरी बहुत बड़ी फाइल होगी तो मुझे बहुत बार रीड लाइन फंक्शन लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या मैं लूप का यूज कर लेती हूँ। ठीक है, जब आप लूप का यूज करोगे तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, लूपिंग की हेल्प से आपकी कंप्लीट फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, तो इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, फर्स्ट लाइन एज इट इज आएगी, f1 इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, फाइल हैंडल से हमने फाइल को लिंक कराया है, f1 यहाँ पे फाइल हैंडल है, उसके बाद हम ले लेते हैं लूप, फोर लाइन इन f1 राइट, f1 लिया आपने, फोर लाइन इन f1 फाइल हैंडल है आपकी, या फिर यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट लाइन। ओके, अब लाइन अगर मैं सिंपल प्रिंट करा देती हूँ तो गैप के बाद आएगी, एक एक लाइन के बाद गैप आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी फाइल एज इट इज आ जाए, तो मैं एंड इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देती हूँ और स्पेस, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रिंट फंक्शन है, स्पेस जो प्रिंट फंक्शन है वो स्पेस को एंड ऑफ द लाइन कंसीडर कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको रन करते हैं, देखो कंप्लीट हमारे पास आ गई है फाइल। ओके, समझ आया, कंप्लीट फाइल आ गई है, आपने किसका यूज किया है, फोर फंक्शन का यूज किया है, फोर लाइन इन f1 राइट, तो जो लाइन है वो क्या होगा, क्या है, एक वेरिएबल है जो f1 फाइल हैंडल से पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, आपने फर्स्ट लाइन को प्रिंट करा दिया,
फाइन, फिर कंट्रोल जाएगा सेकेंड लाइन पर, सेकेंड लाइन F1 से ये जो लाइन वेरिएबल है सेकेंड लाइन को रीड करेगा, फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया। फिर कंट्रोल जाएगा अगेन ये जो वेरिएबल लाइन है वो थर्ड लाइन को रीड करेगा F1 हैंडल से, क्योंकि यहाँ पे जो F1 फाइल हैंडल है वो किससे लिंक है, फाइल का रेफरेंस है, राइट ओके। तो ऐसे आपको पता है फोर लूप कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमने फोर लूप की हेल्प से कंप्लीट फाइल को क्या कराया है, डिस्प्ले करा दिया। ओके ओके नाउ नेक्स्ट मेथड इज रीड लाइंस मेथड। दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस एंड रिटर्न्स द लाइंस अलोंग विद न्यू लाइन एज एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये क्या करता है, कंप्लीट फाइल को रीड करेगा और जो लाइंस हैं, राइट पूरी फाइल को एक बार में रीड करेगा, जो लेकिन जो फाइल्स की लाइंस है वो कैसे आएंगी, वो एज अ लिस्ट कैरेक्टर्स आएंगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन आएगा एज अ लिस्ट एलिमेंट और वो फर्स्ट लाइन किससे एंड होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर से, फिर सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, लाइक दिस। ओके, तो ये कंप्लीट फाइल को रीड कर रहा है, लेकिन फाइल किस फॉर्म में रीड हो रही है, फाइल रीड हो रही है एज अ आइटम्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट आइटम लिस्ट का, देन सेकंड लाइन सेकंड आइटम लिस्ट का, देन थर्ड लाइन थर्ड आइटम लिस्ट का, और जितनी भी लाइंस हैं वो किससे एंड हो रही है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रही है। ओके, सिंटेक्स क्या है हमारे पास, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। ओके, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि कितनी लाइंस आपको रीड करनी है, अंडरस्टूड। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, यूज ऑफ रीड लाइंस फंक्शन, राइट, हमने कमेंट दे दिया है, अब हम करेंगे इसका यूज। ओपन, मैं अगेन अपनी एबीसी फाइल ले लेती हूँ, डॉट txt, फाइन, इसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया लिस्ट आइटम ले लेती हूँ, क्योंकि जो लाइन वो रीड करेगा एज अ लिस्ट आइटम लेगा, तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो लिस्ट आइटम ले लिया, राइट, F1 डॉट रीड लाइंस। ओके, और प्रिंट करा दिया, प्रिंट F1 डॉट रीड लाइंस, रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, लाइंस को रीड करेगा एज एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लिस्ट आइटम वेरिएबल के अंदर। तो हम लिस्ट आइटम वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, फाइन, लिस्ट आइटम, उसके बाद आप क्या करो, फाइल को क्लोज कर दो। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। ओके, रन करते हैं। देखो फाइल में जो लाइंस है, जो फर्स्ट लाइन है, देखो एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ये पूरा कंप्लीट लिस्ट में आ गया, और जो लाइंस है वो क्या बन गए, लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए। और देखो जितनी भी लाइंस है वो कहाँ कैसे एंड हो रही है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रही है, आपको शो रहा है यहाँ पे, जितनी भी लाइंस है वो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रही है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है आपकी फाइल में, ओके, तो आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर सकते हो। सिंपली नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके, और इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया, राइट, ओके, उसके बाद आप उसको रीड कर रहे हो, रीड आपने किया F1 डॉट रीड लाइंस, रीड लाइंस फंक्शन का यूज किया है, और वो रीड लाइन फंक्शंस लाइंस जो रीड होके वो कहाँ जाएंगी, एस वेरिएबल के अंदर जाएंगी। अब आपने क्या किया, हम एक और वेरिएबल लेते हैं लाइन, लाइन काउंट, और उसमें हम लेंथ ले लेते हैं किसकी, एस की। ओके, तो लेंथ फंक्शन से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। ओके, नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या होता है, या तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रीड करता है। तो यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे ईच लाइन, जितनी लाइंस आएंगी एज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आएगा। तो ठीक है, ये इसको लेंथ फंक्शन क्या करेगा, काउंट करके बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। ओके, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तो ऑलरेडी हमारा है यहाँ पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रिंट फंक्शन में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ लाइंस इन ABC डॉट TXT
फाइल आर लाइन काउंट, ठीक है, लाइन काउंट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस, लाइन फंक्शन आपकी नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके कहाँ स्टोर करेगा, लाइन काउंट फंक्शन, सॉरी लाइन काउंट वेरिएबल में. ओके, इसको आप सेव कर लो, देन रन इट. देखो यहाँ पे आ गया है नंबर ऑफ लाइंस इन abc.txt फाइल इज 11. तो abc.txt फाइल में कितनी लाइंस है, 11 लाइंस है. इसको हम यहाँ, ओके ओके, इन केस यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ अ लाइन सेपरेटली एज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. तो ये क्या कह रहा है, अगर हम चाहते हैं कि जो क्या है लाइंस आती हैं, ओके, उन उसके मतलब रीड लाइंस फंक्शन क्या करता है, ईच लाइन को एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट रीड करता है, पर मैं चाहती हूँ कि ईच वर्ड को, ईच वर्ड को वो कैसे रीड करे, एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लाइन को नहीं, ईच वर्ड को, ठीक है. तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, आप इसके लिए स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे. सबसे पहले हमने abc.txt फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, उसको रीड लाइंस के थ्रू रीड करा लिया. यहाँ पे लाइंस एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गई है जो s के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव हो गई है. लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लाइन एज अ लिस्ट एलिमेंट ना आए, ईच वर्ड ऑफ द लाइन एज अ लिस्ट एलिमेंट आए, मतलब लाइन का जो एक एक वर्ड है वो लिस्ट एलिमेंट आए. तो उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे और उसको लूप में चलाएंगे, जिससे फॉर लाइन इन एस, क्योंकि हमारी लाइंस रीड होके कहाँ गई है, एस वेरिएबल के अंदर, फॉर लाइन इन एस. ओके, यहाँ पे हम वर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं एस, वर्ड्स कैसा कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हो, एस लिस्ट आइटम्स. ओके, लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किया हमने, ठीक है, वर्ड्स इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट. फर्स्ट लाइन रीड होगी, ओके, एस क्या लाइन जो वेरिएबल है वो एस से, जो आपका एस क्या है, एस के अंदर लाइंस है, कंप्लीट लाइंस रीड होके कहाँ गई है, एस वेरिएबल के अंदर. तो जो लाइन वेरिएबल है यहाँ पे वो क्या करेगा, एस में से फर्स्ट लाइन को रीड करेगा. अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया वर्ड्स इक्वल टू लाइंस डॉट लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का यूज किया है. तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लाइंस को वर्ड्स में डिवाइड कर देगा. तो जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड्स के अंदर चला जाएगा वेरिएबल के अंदर, और इसको हमने करा दिया प्रिंट वर्ड्स. ओके, आपने प्रिंट करा दिया. अब देखो ये जो लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कंप्लीट फाइल के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होके नहीं आ जाते हैं. ओके, क्योंकि देखो लूप कब तक चलता है, टिल द एंड ऑफ द फाइल. समझ आया, फिर से देखो, यहाँ पे आपने F1 लिया है फाइल हैंडल और ओपन कराया फाइल को रीड मोड में. उसके बाद आपने रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से कंप्लीट फाइल को रीड कराया है, लेकिन फाइल किस फॉर्म में रीड हुई है, एज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट. वो कहाँ जाके स्टोर हुआ है, एस वेरिएबल के अंदर. फिर आपने लूप चलाया है फॉर लाइन इन एस, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो क्या है वेरिएबल, वो एस की पहले फर्स्ट लाइन को एक्सेस करेगा. ओके, फिर कंट्रोल अंदर जाएगा, अंदर जाके हमने क्या किया है, वर्ड्स इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट. तो ये लाइन को स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लाइंस में एक पर्टिकुलर लाइन में जितने भी वर्ड हैं उनको अलग अलग करके मतलब स्प्लिट कर देगा उनको. ओके, और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करा दिया वर्ड्स को. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट बन के आ जाएंगे. इसको रन कराओ. अब देखो एक एक वर्ड क्या बन गया, लिस्ट का एलिमेंट बन गया. ये देखो फर्स्ट लाइन के, फर्स्ट लाइन के अंदर 3 वर्ड्स थे, तो वो क्या बन गए, ये जो फर्स्ट लिस्ट बनी है वो 3 वर्ड्स की बन गई है. देन सेकंड लाइन एक लिस्ट बन गई, देन थर्ड लाइन एक लिस्ट बन गई, तो अलग अलग लिस्ट बन गई है. ओके, और जो उनके वर्ड्स थे वो उन लिस्ट एलिमेंट्स बन गए. ओके, अब अगर आप चाहते हो कि जो फाइल की लाइन है, ईच लाइन है, वो एज अ लिस्ट आए, एज अ कंप्लीट लिस्ट आए, एक लिस्ट के एलिमेंट बन के ना आए, एज अ कंप्लीट लिस्ट आए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्प्लिट लाइंस का यूज कर सकते हो, स्प्लिट लाइंस फंक्शन का. ठीक है, यहाँ पे हमने स्प्लिट फंक्शन की बजाय किसका यूज किया, स्प्लिट लाइन फंक्शन का यूज किया है. तो अब क्या होगा, जो आपकी फाइल की जो लाइंस होगी, फर्स्ट लाइन एज अ लिस्ट आएगी, देन सेकेंड लाइन एज अ लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे जितनी लाइंस होंगी उतनी ही लिस्ट बन जाएंगी. ओके, को सेव कर लेते हैं. नाउ एग्जीक्यूट कराओ. अब देखो फर्स्ट लाइन एज अ लिस्ट आ गई, देन सेकंड लाइन एज अ लिस्ट आ गई, थर्ड लाइन एज अ
लिस्ट आ गई, किसकी हेल्प से, स्प्लिट लाइन्स फंक्शन की हेल्प से। ओके, जो आपने किया था रीड फंक्शन का यूज, तो आपने देखा था कि आपने एक सिक्वेंशियल वे में डेटा को एक्सेस किया था, राइट। अब यहाँ पे हम डेटा को किसी भी पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पाइथन प्रोवाइड्स टू फंक्शंस दैट हेल्प्स यू टू मैन्युपुलेट द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। पाइथन आपको दो फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप पॉइंटर, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, मैन्युपुलेट कर सकते हो, एंड दस यू कैन रीड एंड राइट फ्रॉम डिजायर्ड पोजिशन इन द फाइल। और अगर आप फाइल पॉइंटर की पोजिशन चेंज कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर पोजिशन से फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ओके, दीज फंक्शन आर टेल फंक्शन एंड सीक फंक्शन। ये कौन कौन से फंक्शन है? टेल फंक्शन है एंड सीक फंक्शन है। ओके, दीज फंक्शन वर्क आइडेंटिकली विद द टेक्स्ट फाइल्स एज वेल एज द बाइनरी फाइल्स। तो ये दो जो फंक्शन है, टेल फंक्शन और सीक फंक्शन, इन दोनों की वर्किंग, इन दोनों का फंक्शन सेम है विद टेक्स्ट फाइल के साथ और बाइनरी फाइल के साथ। ओके, तो अब इन फंक्शन को हम करते हैं वन बाई वन। First we have tell method, or you can say tell function. Okay, this function returns an integer that specifies the current position of the file object. तो आप जब tell function का use करते हो, तो ये क्या return करता है? एक ये integer value return करता है जो बताती है कि आपकी file pointer की position कहाँ है। ओके, फाइल पॉइंटर आपका कहाँ है? थर्ड पोजिशन पे है, फोर्थ पोजिशन पे है, या किसी भी पोजिशन पे है, राइट। The position so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object. जो position ये बताता है वो कहाँ से start करता है, कहाँ से बताना start करता है? From the beginning of the file. Okay? Right? The syntax of using tell function is file object dot tell function. Right? तो जब आप इस function का use करते हो, तो आपको क्या syntax use करना है? File object dot tell function. Right? अब मैं इसको practically करके दिखाती हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। एफ क्या है आपका? फाइल पॉइंटर है। ओके, फाइल हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फाइल ले लेते हैं abc.txt, ये मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। इसको मैं रीड मोड में ओपन करती हूँ। ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे f dot read। तो f dot read फंक्शन से क्या होगा, आपकी कंप्लीट फाइल रीड हो जाएगी। ओके, और प्रिंट भी हो जाएगी, फाइन। अब यहाँ पे जब वो कंप्लीट फाइल रीड करेगा, तो क्या होगा, फाइल पॉइंटर बिगनिंग से लेकर एंड तक जाएगा, राइट। ओके, तो ये क्या बता देगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट लेते हैं फाइल पॉइंटर की पोजीशन, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स। कंप्लीट फाइल में कितने बाइट्स हैं, ये आपको ये शो कर देगा एफ डॉट टेल, क्योंकि कंप्लीट फाइल रीड होने के बाद पॉइंटर, फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी, एट द एंड ऑफ द फाइल, राइट। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं, कोई भी नेम ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया इसका F1, इट्स ऑलरेडी हियर, F4 ले लो, चलो, राइट। रन मॉड्यूल। ओके, ये देखो, ये आपकी कंप्लीट फाइल आ गई है, आपने रीड करा दी, और फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स 408, राइट। इसने नंबर ऑफ बाइट्स भी काउंट करके बता दिए। फाइल पॉइंटर आपका क्या है, एंड ऑफ द फाइल, राइट, और नंबर ऑफ बाइट्स इसने काउंट करके बता दिया है 408, राइट। ओके, तो टेल फंक्शन ने क्या बताया आपको, करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर बताइए कहां पर है। ओके, अब देखो, अगर मैं क्या चाहती हूँ, इसमें से सिर्फ 10 बाइट्स या 10 कैरेक्टर्स को रीड करना चाहती हूँ। ओके, सेव कर दो, नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, रन। अब देखो, आपके फर्स्ट 10 कैरेक्टर इसके अंदर क्या हो गए हैं, रीड हो गए हैं, और क्या आ गया, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स 10। आपने 10 कैरेक्टर्स रीड कराए थे, अब इसकी पोजीशन क्या है, फाइल पॉइंटर की 10। ओके, ओके, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लाइंस और ऐड करके देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में आपने इसको ओपन किया था फाइल, तो इसकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी। तो हम यहां पे ले लेते हैं इनिशियली
फाइल पॉइंटर्स पोजिशन इज एट, राइट, एफ डॉट टेल। तो बिगनिंग में ये क्या रिटर्न करता है, जीरो, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, राइट। तो हमने यहाँ पे एफ डॉट टेल की हेल्प से आप बिगनिंग कहां पे आपका फाइल पॉइंटर है वो पोजीशन यहाँ पे प्रिंट करा दोगे, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूं, हम देते हैं रीड 10 bytes, रीड 10 bytes। ओके, वो 10 bytes को रीड कर लेगा, फाइन। अब आफ्टर रीडिंग 10 bytes हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट bytes दिस, राइट। अब क्या करते हैं, और 10 bytes को हम रीड कराते हैं, प्रिंट रीड नेक्स्ट 10 bytes। ओके, इन नेक्स्ट 10 bytes को रीड करने के लिए हम क्या कराएंगे, एफ डॉट रीड, और इसमें दे देंगे हम 10, राइट। पहले आप 10 bytes रीड कराओगे, फिर आपने क्या किया, एक और स्टेटमेंट दिया है, रीड नेक्स्ट 10 bytes एफ डॉट रीड फंक्शन। ओके, देन प्रिंट, इसको हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट ओके एंड डॉट क्लोज, राइट। इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करा के देखते हैं, रन मॉड्यूल। नाउ लुक एट दिस, इनिशियली फाइल पॉइंटर पोजीशन इज एट जीरो, ठीक है। आपकी इनिशियल जो पोजीशन होती है फाइल पॉइंटर की वो कहाँ होती है, जीरो, इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन को बोलते हैं जीरो, राइट। इनिशियली फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज एट जीरो, राइट। देन आपने क्या कराया, रीड 10 bytes, तो रीड 10 bytes इसने जो इसका 10 bytes को रीड किया आफ्टर फ्लाई, ओके, एफ एल वाई आई 10 bytes को कर दिया। अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 10, ओके। नाउ अब यहां पे थोड़ा विजिबल नहीं है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब नेक्स्ट आपने कराया रीड नेक्स्ट 10 bytes, तो इसने नेक्स्ट 10 bytes को रीड किया है। अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 20, राइट। पहले 10 थी, ओके, जब आपने 10 characters को रीड कराया था, फिर आपने 10 characters को और रीड कराया, ओके, यहां से देखो, फिर आपने 10 characters को और रीड कराया, तो आप कहां पे पोजीशन आ गई है, 20, ओके। यहाँ पे देखो, इसको समझते हैं, इनिशियली आपकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी, जीरो थी, यहाँ के स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ओके। फिर आपने कमांड क्या दी है, 10 bytes को रीड कराने के लिए, तो इसने 10 bytes को रीड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया, इतना आपका रिजल्ट आ गया, फाइन। देन आपने फिर क्या किया, नेक्स्ट 10 bytes को रीड कराया, अब यहां से नेक्स्ट 10 bytes को ये रीड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ये आपका आ गया रिजल्ट, राइट। तो अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ आ गई है, बाइट 20 पर, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव सीक मेथड, ओके। आपने टेल मेथड किया, टेल मेथड आपको क्या बताता है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताता है, राइट, ओके। आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो यूजिंग टेल मेथड, ओके। नाउ वी हैव सीक मेथड और सीक फंक्शन। दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल, ओके। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर सकते हो, उसको ले जा सकते हो, फाइल पॉइंटर को, या और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट को, राइट। अब यहाँ पे सीक का सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, ओके, और इसके अंदर आप पास करोगे ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट, ओके। मतलब सीक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पोजीशन को आपको ग्रैब करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जाना है, तो आप किसका यूज करोगे, सीक फंक्शन का यूज करोगे, राइट। कैसे, यहाँ पे देखो सिंटेक्स जो है उसको
मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, ऑफसेट क्या है? इज द नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड. मतलब कितने बाइट्स आपको फाइल पॉइंटर को चलना है. ओके, ये क्या बताता है? ऑफसेट बताता है कि कितने बाइट्स फाइल पॉइंटर चलेगा. 1, 2, 3, 4 कितने बाइट्स उसको चलना है. राइट, ओके. अब नेक्स्ट वी हैव द रेफरेंस पॉइंट और यू कैन से मोड. मोड क्या बताता है कि उसे कहां से चलना है. बिगनिंग से चलना है फाइल पॉइंटर को, या फिर अभी वो किसी और पोजीशन पे है उस करंट पोजीशन से चलना है, या फिर वो एंड ऑफ द फाइल है एंड ऑफ द फाइल से उसको चलना है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये कौन बताता है? ये रेफरेंस पॉइंट बताता है. समझ आया? देखो फिर से देखो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक फंक्शन. सीक फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करते हो, ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट को हम मोड भी बोलते हैं. ऑफसेट बताता है कि फाइल पॉइंटर कितने बाइट्स मूव करेगा, ठीक है, और फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा. राइट, एंड रेफरेंस पॉइंट बताता है कि वो कहां से मूव करेगा. बिगनिंग ऑफ द फाइल से मूव करेगा, या फिर इस जो भी उसकी करेंट पोजीशन है वहां से मूव करेगा, या एंड ऑफ द फाइल से मूव करेगा. राइट, ये कौन बताता है? रेफरेंस पॉइंट बताता है. ओके, अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है. जीरो अगर है, आपने दिया है तो क्या होगा? बिगनिंग ऑफ द फाइल से आपका फाइल पॉइंटर मूव करेगा. अगर आपने वन दिया है रेफरेंस पॉइंट या मोड, तो जो भी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन है वो वहां से मूव करेगा. और अगर आपने टू दिया है तो एंड ऑफ द फाइल से मूव करेगा. ओके, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज जीरो. और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं देते हो, ओनली ऑफसेट ही देते हो कि कितने बाइट्स चलना है फाइल पॉइंटर को, ओके, तो कहां से स्टार्ट करता है? बिगनिंग से स्टार्ट करता है. राइट, द ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल. ओके, वी कैन मूव द फाइल पॉइंटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू फॉर बाइट्स. अगर आप पॉजिटिव ऑफसेट देते हो तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका फाइल पॉइंटर चलेगा. अगर आप नेगेटिव ऑफसेट देते हो तो किस डायरेक्शन में चलेगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. राइट, तो सीक मेथड से आप क्या कर सकते हो? अपने फाइल पॉइंटर को कहीं भी उसको कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो, ठीक है, वो कहीं पर भी उसको पहुंचा सकते हो, और वहां से आप अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हो वो आप एक्सेस कर सकते हो. फाइन, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके, नाउ एफ क्या है? आपका फाइल पॉइंटर है. ओके, आप क्या करोगे? फाइल को ओपन करते हैं हम लोग. डेमो 2.txt फाइल को मैंने ओपन किया. किस मोड में? रीड मोड में. फाइन, ओके, प्रिंट एफ डॉट टेल. ओके, एफ डॉट टेल आपका क्या बता देगा? आपकी फाइल की करंट पोजीशन. ओके, अब आपने क्या दिया? एफ डॉट सीक, राइट, 4. तो आपका अभी हमने क्या दिया? एक ही पैरामीटर दिया, ऑफसेट दिया है 4. तो आपका फाइल पॉइंटर कितने बाइट्स मूव करेगा? 4 बाइट्स. 1, 2, 3, 4. ओके, उसके बाद फिर से उसके बाद आपका रीड हो जाए. एफ डॉट रीड. ओके, देन क्लोज. देखो सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया. demo2.txt फाइल है मेरी. ओके, ये कहाँ पे है? ये पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव है. राइट, ये कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल. इसको किस फॉर्म में आप किस मोड में ओपन करो? रीड मोड में. राइट, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? प्रिंट एफ डॉट टेल. इससे एफ टेल फंक्शन आपको क्या बताएगा? फाइल पॉइंटर की करंट पोजिशन क्या है. ओके, बिगनिंग ऑफ द फाइल. फिर आपने क्या किया? पॉइंटर को 4 बाइट्स चलाया. ओके, और उसके बाद आपने इसको रीड कराया. तो आपका पॉइंटर कहाँ, तो रीड फंक्शन कहाँ से वर्क करेगा? पॉइंटर पोजीशन से वर्क करेगा. 4 बाइट्स के बाद वो उसको रीड करेगा. फाइन, तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं. सेव कर लो. ओके, रन करते हैं. देखो यहाँ पे आगे आपका 0 पोजीशन, पॉइंटर की 0 पोजीशन है. ओके, एंड आप पहले हम फाइल को देखते हैं. यहाँ पे देखो फाइल ये आपकी, पहले आपका पॉइंटर कहाँ था? 0 पोजीशन पे. फिर आपने इसको क्या चलाया? 4 बाइट चलाया. 1, 2, 3, 4. राइट, 4 बाइट चलाया. उसके बाद आपने रीड फंक्शन का यूज किया है. तो अब पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे है? 4 बाइट्स पे है. तो कहाँ से डेटा आप रीड करोगे? पॉइंटर पोजीशन से रीड करोगे. तो आप यहाँ से रीड करोगे. इतना डेटा आपने रीड किया है.
मतलब इतना डेटा रीड हुआ है ओके ऑन से लेकर एंड तक राइट right? क्योंकि सीख से आपने पॉइंटर को कहां पहुंचा दिया था, फोर्थ पोजीशन पे पहुंचा दिया था राइट ओके नाउ अब क्या करते हैं, इसको करते हैं एफ डॉट सीक सिक्स राइट ओके मैंने सीक क्या दे दिया, सिक्स दे दिया है और अब यहां पे मैंने आपका रेफरेंस पॉइंट या मोड नहीं दिया है कि कहां से स्टार्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, अगेन ये फर्स्ट पोजीशन से मतलब जीरो से स्टार्ट होगा ओके एफ डॉट सिक्स अब प्रिंट करा देंगे हम सिक्स पोजीशन से रीड हो जाए एफ डॉट रीड सिक्स पोजीशन से आप फाइव करेक्टर्स रीड करा दो ओके सिक्स पोजीशन से आप कितना करेक्टर रीड कराओगे फाइव करेक्टर्स और उसके बाद हम पोजीशन प्रिंट करा देते हैं करेंट लोकेशन ऑफ पॉइंटर एफ डॉट टेल राइट एफ डॉट टेल आपने दे दिया और ये हम यहाँ पे भी दे सकते हैं करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर ओके राइट अब देखो पहले आपकी फाइल ओपन होगी फर्स्ट स्टेट जो कमांड दी है आपने ओके फिर आपकी उसकी करंट लोकेशन पॉइंटर की ये क्या करेगा ये बताएगा राइट तो करंट पोजीशन आपकी हमेशा जीरो होती है उसके बाद आपने क्या किया सीक सीक फंक्शन के यूज सीक फंक्शन का यूज करके उसको फोर बाइट्स मूव कराया एंड देन फाइल को रीड कराया अब अगेन मैंने सीक फंक्शन का यूज करके सिक्स बाइट मूव कराऊंगी और कितने कितना आपको रीड कराना है आपको रीड कराना है फाइव करेक्टर्स और यू कैन से फाइव बाइट्स होंगी ओके पहले तो मैंने क्या किया था पूरी फाइल को रीड कराया था अभी हम फाइव करेक्टर्स को रीड कराएंगे राइट अब इसको क्या करते हैं रन करते हैं ओके अब देखो करेंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर इक्वल्स टू जीरो आपका जीरो आ गया स्टार्टिंग में ओके देन आपने क्या किया था हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं आपने फाइल को फोर बाइट्स मूव कराया वन टू थ्री फोर ओके आपका फिर इसके बाद का जितना भी था वो आ गया सीक से आपने फोर बाइट मूव कराया था ओके देन आपने क्या किया है यहाँ पे देखो आपने क्या दिया था सिक्स बाइट मूव करा के फाइव करेक्टर्स को रीड कराया था वन तो आपके सिक्स बाइट कहाँ से मूव होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग जीरो से ओके तो हम इसको देखते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सिक्स आपने सिक्स की पोजीशन क्या ली थी सिक्स ओके और सिक्स से आपको कितने बाइट्स रीड करने हैं फाइव तो अब रीड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो आपका कितना क्या आ जाएगा पी आर ओ जी प्रोग ओके स्पेस स्पेस एंड देन पी आर ओ जी प्रोग राइट तो देखो आपका यहां आया हुआ है फाइन प्रोग स्पेस आया हुआ है देन प्रोग राइट अब देखो करेंट पोजीशन अब आपकी पॉइंटर की क्या है इलेवन क्या लिया है फंक्शन में सीक फंक्शन में लिया है सिक्स राइट और रीड कितने करेक्टर्स कराए हैं फाइव ओके तो ये कितना हो गया इलेवन आपका पॉइंटर कितना मूव किया इलेवन आपने पहले सीक फंक्शन की हेल्प से पॉइंटर को सिक्स पोजीशन पे पहुंचाया राइट यहाँ पे पहुंचाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और उसके बाद आपने फाइव करेक्टर्स को रीड कराया वन टू थ्री फोर फाइव तो टोटल कितना हो गया इलेवन तो आपकी पॉइंटर की पोजीशन अभी क्या है इलेवन बाइट्स ओके देखो ये आपकी पॉइंटर की पोजीशन है हियर वी हैव पॉइंटर्स पोजीशन इलेवन बाइट ओके अंडरस्टूड ओके अब देखो यहाँ पे जब सीक फंक्शन का मैंने यूज किया तो फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करता है जीरो से स्टार्ट करता है जब आपने सीक फोर किया तब भी उसने स्टार्टिंग से पोजीशन से जीरो पोजीशन से फोर्थ बाइट पे गया जब आपने सीक सिक्स किया तब भी वो स्टार्टिंग से सिक्स बाइट पे गया पर अब मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्टिंग से ना जाए वो अपनी करेंट लोकेशन से जाए मतलब फोर बाइट रीड करने अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तो एंड ऑफ द फाइल आ जाएगा राइट तो मैं अगर चाहती हूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो क्या करे रीड करे या फिर एंड ऑफ द फाइल से रीड करे तो या तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे क्या दोगे कौन सा पैरामीटर पास करोगे आप
मोड और यू कैन से रेफरेंस पॉइंट. तो मैं यहाँ पे वन कर देती हूँ, लेट सपोज. ठीक है, वन का क्या मीनिंग था? वन का मीनिंग था करेंट पोजिशन से. ओके, तो देखो पहले मैंने कर दिया सीक फोर और रीड में कर दो थ्री. पहले पॉइंटर फोर्थ पोजिशन पे जाए और थ्री करेक्टर्स को रीड करे. ओके फाइन, फिर क्या करे? सिक्स पॉइंटर कितना चले? सिक्स बाइट्स चले. कौन सी करेंट पोजीशन से? सेवेंथ पोजीशन से, क्योंकि फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन पे चले जाएगा, फिर वहां से रीड करें. ओके, वन का क्या मीनिंग होता है? करेंट पोजीशन. फाइन, अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया है टेक्स्ट मोड में, राइट. तो टेक्स्ट मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हो, इट ऑलवेज स्टार्ट, जो फाइल पॉइंटर होती की पोजिशन होती है वो हमेशा स्टार्टिंग मतलब और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, फर्स्ट पोजीशन से वो उसको लोकेट स्टार्ट करता है. तो मैं ये चाहती हूँ करेंट पोजीशन से करे या फिर एंड ऑफ द फाइल से करे, तो हम इसको बाइनरी मोड में ओपन करेंगे फाइल को. समझ आ गया? क्या होता है, जब आप टेक्स्ट मोड में फाइल को ओपन करते हो तो पॉइंटर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, राइट. वो हमेशा फाइल की बिगनिंग से स्टार्ट करेगा. पर अगर आपको करंट पोजीशन से अपने पॉइंटर को मूव कराना है या एंड ऑफ द फाइल से मूव कराना है, तो आप किस मोड में फाइल को ओपन करोगे? आप बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करोगे. तो मैंने यहाँ पे आर के बाद बी लगा दिया है, तो अब ये क्या है? बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करेगा, राइट. अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं. ओपन किया आपने फर्स्ट फाइल को, आपने प्रिंट करा दी करंट लोकेशन फाइल की. देन आपने क्या किया? सीक फोर. सीक फोर किया है मतलब आपका पॉइंटर कहाँ जाएगा? फोर बाइट्स पर, करेंट मतलब बिगनिंग ऑफ द फाइल से. कितने करेक्टर्स को रीड करेगा? थ्री को. ओके, देन वो सिक्स लोके मतलब करेंट पोजीशन से आगे मूव करेगा सिक्स करेक्टर्स. ओके, एंड कितने करेक्टर्स को रीड करेगा? फाइव. देन इट विल टेल यू द पॉइंटर पोजीशन. इसको मैं करके दिखाती हूँ. रन करते हैं, रन करो. देखो यहाँ पे हमारी फाइल, सबसे पहले देखो, इधर देखो, करंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, स्टार्टिंग से आया आपका पॉइंटर की पोजीशन स्टार्टिंग पे है. अब आपने क्या दिया था? कितना बाइट्स मूव करे? वन टू थ्री फोर. फोर से कितने आपको लेने थे? आपको लेने थे थ्री. ओके, सी की पोजीशन क्या थी आपकी? फोर. देखो सी की पोजीशन आपकी फोर है और रीड कितना करना है आपको? थ्री करेक्टर्स, राइट. तो यहां से थ्री करेक्टर्स रीड करेगा. वन, कौन कौन से? ओ एन एन स्पेस. ये थ्री करेक्टर्स रीड कर लिए इसने, ओ एन एन स्पेस, राइट. तो यहाँ पे देखो आपका आ गया है आंसर दिस. ओके, ऑन एन स्पेस. फाइन, अब आपने क्या दिया है? अब आपने सीख दिया है कितना मूव करे? करेंट लोकेशन से, करेंट लोकेशन से मूव करे सिक्स, राइट. करंट लोकेशन से कितना मूव करे? सिक्स. तो अब की करंट लोकेशन ये है, यहां से सिक्स मूव करेगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गया. अब यहां से इसको फाइव करेक्टर्स रीड करने. ओके, तो वन टू थ्री फोर फाइव, इतने करेक्टर्स रीड करेगा ये. देखो रिजल्ट, देखो आ गया, इतने करेक्टर्स रीड कर लिए इसने. ठीक है, सिक्स लोकेशन से पहले वो देखो. अब यहाँ पे क्या है? बिगनिंग से स्टार्ट नहीं करा, करंट लोकेशन से स्टार्ट करा. इसकी करंट लोकेशन यहाँ पे थी, यहां से. ठीक है, करंट लोकेशन इसकी कितनी थी? इसकी करंट लोकेशन थी सेवन बाइट्स. सेवन बाइट्स पे आपका फाइल पॉइंटर था, राइट. फिर वहां से उसने सिक्स मूव किया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स क्योंकि हमने सीक में वैल्यू दी है सिक्स. और रीड कितना करवाया? आफ्टर मूविंग सिक्स बाइट्स आपने रीड करवाया फाइव. तो वन टू थ्री फोर फाइव. ओके, एम एम आई एन जी, एम एम आई एन जी आपका रिजल्ट आ गया. ओके, और आपकी पॉइंटर पोजीशन अब आ गई है 18. पॉइंटर पोजीशन 18 क्यों आई है? देखो यहाँ पे पहले वो 7 चला, 4 पॉइंटर कहाँ पे गया? पहले फोर्थ पोजीशन पे गया, फिर उसने 3 रीड किया. ओके, तो 7 हो गया. 7 के बाद उसने क्या किया है? 6 चला है वो आगे, राइट. ओके, आपका सिक्स आगे चला है तो 13 हो गया. ओके, देन आपका फाइव. ओके, तो क्या हो गया ये 18. फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या हो गई है? 18. अंडरस्टूड? ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और
देखते हैं जहां पे हम नेगेटिव ऑफसेट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। हमने फाइल को ओपन किया, डेमो 2.txt, राइट, आरबी मोड में इसको ओपन करेंगे बाइनरी फॉर्म में, ओके। अब देखो f.seek, मैंने क्या किया, -6 लिया, ओके। फाइल तो ये कहां से स्टार्ट करेगा, फाइल, और यहां पे लिया 2, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कहां से, एंड ऑफ द फाइल से जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ द फाइल, राइट। अब प्रिंट करा देते हम f.read, ओके, एंड प्रिंट करंट नोटेशन ऑफ पॉइंटर f.tell, देन आप इसको क्लोज करा दो, क्लोज, राइट, सेव करते हैं। अब रिजल्ट आपका कैसे आया मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल पे जाएंगे। आपने क्या किया है, फाइल को ओपन किया है, ओके, आरबी मोड में, आपने सी क्या किया है, -6, तो -6 ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा एंड ऑफ द फाइल से, क्योंकि आपने ये जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो 2 दिया है, तो ये कहाँ चलेगा, एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, कितना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये आपका एंड ऑफ द फाइल है, यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल है, ओके, क्योंकि आपने 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट, 2 दिया हुआ है, तो ये आपका एंड ऑफ द फाइल है। अब यहाँ से कितना चलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक चलेगा, ओके, राइट। देन आपने क्या दे दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दिया है f.read, ओके, अब यहां से रीड करेगा इसको। फिर से देखो आपने क्या दिया है, f.seek फंक्शन में क्या पास किया, -6 किया है, ओके, तो ये कहाँ चलेगा पॉइंटर, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और हमने इसका रेफरेंस पॉइंट क्या दिया है, हमने मोड क्या दिया है, 2, तो 2 क्या होता है, एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, तो ये कहाँ से चला, यहाँ से चला एंड ऑफ द फाइल से, ये एंड ऑफ द फाइल से चला 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक चला, ओके, राइट। अब आपने क्या दे दिया, f.read, अब ये रीड करेगा, तो अब ये रीड करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आप एंड ऑफ द फाइल तक ये रीड करेगा, ओके। तो आपका रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट ये क्या आ गया, आपका रिजल्ट, ओके, हिंदी आ गया, स्पेस एंड हिंदी, राइट, और करंट लोकेशन उसने बता दिया है आपकी 36 है फाइल पॉइंटर की, अंडरस्टूड, ओके, समझ आया। देखो यहाँ पर अब मैं इसको एक बार चेंज करते हैं, इसके पैरामीटर्स, यहाँ -6 की जगह मैं कर देती हूँ -10, ओके, और आपने मोड क्या दिया है, 2, तो एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, और कितने कैरेक्टर्स रीड कराते हैं, 5 कराते हैं, ओके, और फिर कर्सर की आपकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन ही बताएगा, सेव कर दो, ठीक है, रन कराते हैं, रन। अब देखो, अब यहाँ पे इसने क्या रीड किया, एल फिर स्पेस और इन, ओके, तो कैसे रीड किया है, यहाँ पे देखते हैं हम, फाइल पे जाएंगे, एफ, देखो एंड दिस, इधर देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सीक करवाया है -10, और कहाँ से आपको ये चलेगा पॉइंटर, एंड ऑफ द फाइल, तो यहाँ से 10 चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, पोजीशन आ गई इसकी यहाँ पर पॉइंटर की। अब यहाँ से आपने रीड करवाया 5 करेक्टर्स को, तो 5 करेक्टर्स कौन कौन से रीड करेगा, L, 1, फिर स्पेस 2, देन इन 3, देन 4 एंड देन स्पेस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करेगा, राइट, L, देन स्पेस, ओके, 2 करेक्टर्स, देन इन 4 करेक्टर्स एंड देन स्पेस 5 करेक्टर्स, राइट, 5 करेक्टर्स तक क्या करेगा, रीड करेगा, देन आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन बता दोगे, ओके। तो देखो आपका रिजल्ट क्या है, L, देन स्पेस, देन इन, देन स्पेस,
अंडरस्टूड? ओके, समझ आया? फिर से समझा दूं एक बार, कहां से चला है? एंड ऑफ द फाइल से चला है, क्योंकि आपने जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो टू दिया है. ओके, तो एंड ऑफ द फाइल से कितना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, देन 7, 8, 9, 10 एल तक पहुंच गया. अब ये इसकी पोजीशन यहाँ पे, अब यहां से ये 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5 एल स्पेस इन एंड देन स्पेस, ये 5 कैरेक्टर्स रीड कर लिए. अंडरस्टूड? ओके. अब देखो, ये हमने पहले प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैंने ये माइनस और ऐड कर दिया, राइट? अब देखो, इसको एक बार फिर से देखते हैं. आपने फाइल को ओपन किया, राइट? और आपने उसके बाद क्या दे दिया? करंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर F10, राइट? ओके, करंट पोजीशन आ जाएगी. फिर आपने सीक किया 4, वो कितना चलेगा आगे? 4. कितने करेक्टर सीड कराओगे? 3. ओके, पहले मैं इसको रन कराती हूँ, फिर आपको इसको समझाती हूँ. फाइन, मैं इसको रन कराती हूँ. रन मॉड्यूल, करंट लोकेशन है 0. ओके, अब हम फाइल को ऐसा करते हैं, ऐसे इसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले क्या है? करंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, ये 0 है, स्टार्टिंग की पोजीशन 0 होती है. फिर वो कितना चलेगा? 4. 1, 2, 3, 4, मतलब सीक में आपने 4 दिया है, फाइल पॉइंटर आपका 4 पे चला गया. अब रीड कितना करेगा? 3. तो क्या क्या रीड करेगा? 1, 2, 3, मतलब यहां से लेकर यहां तक रीड करेगा, ठीक है? जो आपका एफ रीड का फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आएगा, तो आप यहाँ पे देखो आपका इसने क्या रीड किया है, ऑन एंड देन स्पेस किया है, ऑन एंड देन स्पेस. फाइन, अब देखो नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट तक हो गया है, जहां पे आपने रीड 3 कर लिया है. ओके, अब करंट पॉइंटर की पोजीशन क्या है? यहां पर है करंट पॉइंटर की पोजीशन, यहां पर है. ओके, अब आपने नेक्स्ट क्या दिया? f.seek, और इसमें क्या पास किया? -6. ओके, -6 एंड 1. ओके, क्या दिया है आपने? -6 एंड 1. ओके, राइट? तो देखो, अब करंट पॉइंटर पोजीशन से कहां जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. आपका जो पॉइंटर है -6 है ना, तो अब क्या किस पोजीशन, करंट पोजीशन, क्योंकि 1 दिया हुआ है, करंट पोजीशन इसकी यहां पर है, ऑन यहां पर है, ठीक है, स्पेस के बाद है. तो करंट पोजीशन से ये कहां जाएगा? -6. तो -6 जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 पे चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. फिर से देखो, करंट पोजीशन इसकी यहाँ पर है. फिर से समझो, देखो पहले फाइल सीक से ये गया, आपका पॉइंटर 4 पे, 1, 2, 3, 4, 4 पे गया. 4 से उसने रीड किए 3 करेक्टर्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऑन एंड स्पेस करेक्टर. फाइल पॉइंटर की पोजीशन अभी यहाँ पर है. अब आपने दिया है सीक -6, और कहां से आपको रीड कर, कहां से आपको चलना है? करंट पोजीशन से चलना है, 1 से चलना है. 1 मींस करंट पोजीशन, 0 मींस स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, 1 मींस करंट पोजीशन, एंड 2 मींस एंड ऑफ द फाइल. ओके, तो यहां पे करंट पोजीशन इसकी 1 है, ठीक है? 1 से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना चलना है? -6. तो आप 6 चलोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, पॉइंटर की पोजीशन यहाँ पे आ गई. अब आपने रीड कितने करवाया? 5. अब यहाँ से 5 करेक्टर्स रीड करेगा, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 क्या रीड होगा? YTHON. ओके, राइट? कितने करेक्टर्स आपको रीड करा दे? 5. ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट YTHON, राइट? और अब आपके पॉइंटर की पोजीशन क्या है? 6 है. ओके, आपके पॉइंटर की पोजीशन क्या है? 6 है. यहाँ पे आप रीड करके भी देख सकते हो, यहाँ से अगर रीड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पोजीशन पे वो आ गया है. ओके, आप टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? ओके, डेटा मैनिपुलेशन रेफर्स टू रिप्लेसिंग सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स फ्रॉम डेटा विद न्यू डेटा. तो डेटा मैनिपुलेशन क्या है? जब आप अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ पार्ट डेटा का चेंज करते हो, ओके, उसको रिप्लेस करते हो, और उसके प्लेस पे क्या करते हो? आप न्यू डेटा ऐड करते हो. ओके, लुक एट द फिगर. आप अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है सैम्पल, ओके, sample.txt, राइट? एंड इट इज हैविंग अ सेंटेंस, वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट? इसके अंदर एक सेंटेंस है, वेलकम टू पाइथन क्लास. मैं यहाँ पे जो पाइथन वर्ड है उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ विद कोडिंग,
राइट तो मैं इसको क्या डेटा मैनिपुलेशन की हेल्प से चेंज कर सकती हूँ. ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू कोडिंग क्लास. अब डेटा मैनिपुलेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किस फंक्शन का होता है, वो हमारा होता है रिप्लेस फंक्शन का. ओके दिस फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन टू रिप्लेस स्पेसिफाइड फ्रेज ऑफ डेटा विद अनदर स्पेसिफाइड फ्रेज ऑफ डेटा. तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, क्या जो आपने डेटा इसमें स्पेसिफाई किया है, ओके जो ओल्ड डेटा आपने स्पेसिफाई किया है उसको ये किससे चेंज कर देता है, उसको ये न्यू डेटा से चेंज कर देता है. फाइन अब इसका सिंटेक्स देखेंगे. स्ट्रिंग क्या है, डेटा आपका कंप्लीट फाइल का डेटा डॉट रिप्लेस. अब रिप्लेस फंक्शन में आप क्या पास करोगे, ओल्ड फ्रेज जो आपका ओरिजिनल डेटा है ओल्ड डेटा है, न्यू फ्रेज मतलब जो इस ओल्ड डेटा को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा. ओके एंड काउंट क्या है, आपका आपका ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. राइट अब काउंट में आप क्या देते हो कि आप डेटा को कितने टाइम्स, मान लो एक ओल्ड फ्रेज में आपने एक वर्ड लिया पाइथन, राइट और आप इसको कोडिंग से चेंज कर रहे हो और ये बार बार आ रहा है, या तो कंप्लीट फाइल में आप चेंज कर रहे हो तो आप इसको काउंट को आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे, नहीं दोगे. अगर आप चाहते हो कि सिर्फ वन लाइन में ये चेंज हो या वन टाइम ये चेंज हो या टू टाइम चेंज हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे काउंट स्पेसिफाई कर सकते हो लाइक वन टाइम ओके या टू टाइम्स. राइट तो क्या होगा, ये इतने वो जो आपका ओल्ड फ्रेज है वो न्यू फ्रेज से टू टाइम्स ही चेंज होगा, रिप्लेस होगा. ओके वेयर ओल्ड फ्रेज रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ओरिजिनल डेटा, जहाँ पे ओल्ड फ्रेज क्या है आपका ओरिजिनल डेटा है, न्यू फ्रेज क्या है आपका आपका न्यू डेटा है जो क्या करेगा, ओल्ड डेटा को रिप्लेस करेगा. ओके एंड काउंट मैंने अभी आपको बताया इज ऑप्शनल विच स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ अक्रेंसेज टू रिप्लेस. ओके नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल. तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं. इसका नेम मैं दे देती हूँ sample.txt और इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं. लेट अस सपोज मैंने इसके अंदर डेटा दे दिया वेलकम टू पाइथन क्लास. ओके आई हैव गिवन दिस टेक्स्ट हियर, को सेव कर दिया एंड देन क्लोज कर दिया. फाइन नाउ अभी हमें क्या करना है, इस फाइल के डेटा में हम मैनिपुलेशन करेंगे. फाइन तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपना प्रोग्राम बनाती हूँ. मैंने न्यू फाइल ले ली है. ओके एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट माय प्रोग्राम हियर. तो फर्स्ट मैंने ले लिया कमेंट, तो कमेंट में हम लिख लेंगे डेटा मैनिपुलेशन. ओके मैनिपुलेशन इन टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट फाइल. ओके फाइन राइट अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले रीड करा लेती हूँ डेटा को. रीडिंग डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल जो अभी आपने सैम्पल नेम से आप फाइल क्रिएट की है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रीड कराएंगे. तो ये मेरा फाइल हैंडल है एफ और इसमें मैं ओपन फंक्शन को यहाँ पे ले रही हूँ. और ठीक है मैंने यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग ले ली, जिससे मुझे क्या है अपने फाइल के पाथ में डबल स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा. ओके तो मैं अपना फाइल का पाथ यहाँ से लेती हूँ, ये मेरा फाइल का पाथ. राइट क्लिक ऑन द फाइल, ओके प्रॉपर्टीज एंड कॉपी द पाथ, कंट्रोल सी. फाइन नाउ हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं. इसको यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी और मेरी फाइल का नेम क्या था, मेरी फाइल का नेम था sample.txt. राइट ओके अब मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को मैं ओपन करती हूँ आर प्लस मोड में. ओके आर प्लस मोड में अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मैं अपनी फाइल को रीड भी कर सकती हूँ और मैं अपनी फाइल के अंदर डेटा राइट भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको आर प्लस मोड में ओपन किया है. फाइन ओके अब यहां पे हम ले लेते हैं प्रिंट ओरिजिनल डेटा इज
ओके ओरिजिनल डेटा हम ले लेते हैं, सिलेक्शन कर देती हूँ जिससे ओरिजिनल डेटा आपका नेक्स्ट लाइन में आए. ओके एंड एफ, एफ इज योर फाइल हैंडल डॉट रीड. रीड फंक्शन से क्या होगा, आपकी सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल रीड हो जाएगी. फाइन, और हमने उसको क्या किया है, प्रिंट भी करा दिया, और यहाँ पे मैंने एफ को फाइल हैंडल को कर दिया क्लोज. फाइन, अब क्या करेंगे हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे. तो मैं इसको देती हूँ फाइल 8. ओके एंड देन रन रन मॉड्यूल. देखो आपका आ गया डेटा, वेलकम टू द पाइथन क्लास. ये हम आपकी फाइल के अंदर भी डेटा है, आप यहाँ पे देखो फाइल को ओपन करके देख सकते हो. ठीक है, वेलकम टू द पाइथन क्लास, राइट. तो आपने फर्स्ट क्या किया, आपने अपनी फाइल को रीड कराया है. ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी फाइल का डेटा चेंज करूँगी. फाइन, तो मैं यहाँ पे कमेंट ले लेती हूँ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन फाइल. ओके, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन फाइल, दिस इज माय कमेंट. फाइन, ओके, अब मैं लेती हूँ, मैं अब फाइल को फिर से ओपन कर रही हूँ और मैं सेम मोड में उसको ओपन करूँगी. यहाँ पे फाइल हैंडल आप एफ भी ले सकते हो, मैंने F1 ले लिया है फॉर अ चेंज, बट आप सेम भी ले सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, कंट्रोल सी कर लेते हैं हम यहाँ पे और इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं. कंट्रोल वी, मैंने इस फाइल हैंडल को कर दिया F1. ओके, आप इसको F भी रहने देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लेते हैं STR और इसके अंदर मैंने किया इनपुट, राइट. इनपुट में आप दे दो एंटर ओल्ड या फिर एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस, मतलब जो आप स्ट्रिंग रिप्लेस करना चाहते हो. ओके, ये आपने ओके. नेक्स्ट हम दे देते हैं न्यू स्ट्रिंग, NSTR ले लेती हूँ, NSTR वेरिएबल, और इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट enter the न्यू स्ट्रिंग. ओके, एंटर द न्यू स्ट्रिंग. फाइन, नो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे F1.write. राइट फंक्शन का यूज करेंगे, राइट फंक्शन से हम न्यू डेटा राइट करवाएंगे किसके ऊपर, ओल्ड डेटा के ऊपर. ओके, तो यहाँ पे आपका अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज अब ऊपर वाले में कर लेते हैं. थोड़ा सा चेंज हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ना लेके इसको हम कर देते हैं डेटा, जो हमें फाइल का डेटा चाहिए कंप्लीट. ओके, और इसमें कर देते हैं F.read. फाइन, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं डेटा. फाइल, ओके, तो यहाँ पे जो डेटा वेरिएबल है उसके अंदर फाइल का कंप्लीट डेटा रीड होके चला जाएगा. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें फाइल का कंप्लीट डेटा चाहिए, राइट. तो आप किसका यूज़ करोगे, आप यहाँ पे डेटा का, डेटा वेरिएबल का यूज़ करोगे जिसके अंदर फाइल का कंप्लीट डेटा है. ओके, डेटा डॉट रिप्लेस. ओके, यहाँ पे आप क्या लोगे, str क्या है आपकी, ओल्ड स्ट्रिंग. ओके, एंड nstr आपकी क्या है, न्यू स्ट्रिंग. फाइन, ओके, यहाँ पे डबल आपका आएगा. ठीक है, अब मैं देखो एक चीज़ को स्किप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ, मैंने इसको अभी कमेंट बना दिया है, बाद में मैं इसका यूज़ बताऊँगी क्या है. सीख, अभी मैंने इसको कमेंट बना दिया है, राइट, मैं इसका यूज़ आपको बताती हूँ. अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा अपडेटेड डेटा, अपडेटेड डेटा वेरिएबल मैंने लिया है, मतलब ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर आपने यहाँ से देखो इस स्टेटमेंट से आपने क्या किया है, डेटा को रिप्लेस किया है. F1.write, F1 आपका क्या है, फाइल हैंडल है. ओके, F1 इज़ योर फाइल हैंडल
हैंडल डॉट राइट राइट फंक्शन की हेल्प से आपने डेटा, डेटा क्या है आपका फाइल का कंप्लीट डेटा, डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर आपने क्या किया है ओल्ड स्ट्रिंग जो आप रिप्लेस करना चाहते हो वो डाली है, और किससे रिप्लेस करना चाहते हो न्यू स्ट्रिंग वो आपने डाली है। फाइन, अब आपका क्या है डेटा अपडेट होके आ जाएगा, डेटा अपडेट होके आ जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे रीड करेंगे, उसको हमने रीड कर लिया f1.read, और जो न्यू डेटा आपका रीड होके आएगा वो आपने कहाँ पे स्टोर कर लिया है अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल के अंदर। फाइन, आपका डेटा यहाँ से राइट इस रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से चेंज हो चुका है, और उसको आपने क्या किया है f1.read फंक्शन की हेल्प से रीड करा लिया है, रीड कराने के बाद आपने उसको अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है। फाइन, तो अब देखो मैं प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट अपडेटेड डेटा इज, अपडेटेड डेटा इज, मैंने डबल नहीं सिंगल लाइन ले लो, ओके, एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा वेरिएबल नेम थोड़ा बिग ले लिया है पर कोई बात नहीं, समझाने के लिए लिया है अपडेटेड डेटा। फाइन, ओके, एंड देन वी विल डू f1.close, ओके f1.close। अब मैंने एक चीज़ इसमें यहाँ पे कमेंट बनाई है, ओके, इसका मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या यूज़ है कमेंट हटा के। फाइन, अभी हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, सेव कर लिया, रन रन मॉड्यूल। देखो ये आपका ओरिजिनल डेटा था क्या, वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट। अभी आपसे पूछ रहा है एंटर द स्ट्रिंग टू रिप्लेस, आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो, मैं करना चाहती हूँ पाइथन को रिप्लेस, python, पाइथन, और किससे रिप्लेस करना चाहते हो, मैं कोडिंग वर्ड से इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। अब देखो मेरे रिजल्ट में क्या आया है, मेरे रिजल्ट में यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, आपके जो आइडल है उसमें रिजल्ट नहीं आया, पर आप अगर फाइल को देखोगे तो वो चेंज हो चुका है, राइट। फाइल को देखोगे तो यहाँ पे पाइथन जो वर्ड था वो कोडिंग से रिप्लेस हो चुका है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे फाइल हम ओपन करते हैं, पाइथन की जगह आपका कोडिंग आ चुका है, राइट। आपका फंक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। यहाँ पे पाइथन की जगह क्या आ गया है, कोडिंग आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया। फाइन, यहाँ पे इसलिए नहीं आया जब आपने आपने राइट किया डेटा, राइट किया डेटा, ठीक है, चेंज हो गया डेटा, चेंज हो गया, फाइन, और आपका पॉइंटर कहाँ चला गया, आपका पॉइंटर चला गया एंड ऑफ द फाइल, ओके। तो देखो अब मैं अगर क्या करती हूँ, मैं इसको सेव करती हूँ कंट्रोल एस, मैंने क्या पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे कर दिए, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके। अब आपका कहाँ से रीड होगा डेटा, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, ये देखो ये आपका ओल्ड स्ट्रिंग आ गया है, राइट, वेलकम टू द कोडिंग क्लास, कोडिंग हो गया था हमारा चेंज। तो अब मैं कर देती हूँ ओल्ड स्ट्रिंग कोडिंग को मैं चेंज कर रही हूँ, राइट, कोडिंग की जगह मैं चाहती हूँ पाइथन करना, पाइथन। अब देखो आपका अपडेटेड डेटा आ गया है, वेलकम टू द पाइथन क्लास। फाइन, अब आपका डेटा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ओके, अंडरस्टूड। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।